Are we live? Kya hum live mein? Oh, we alive. हेलो एवरीवन, दिस इज मास्टर डीजे मोहित रान। कैसे हो सारे लोग? सब चकाचक? सब कैसन बा? सब चकाचक ना? कैसे हो सारे लोग? व्हाई आर यू सिंग? या व्हाट रियली है ना? ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो भाई एक बार लव यू दोस्तों हो जाए। लव यू सर कोई कह रहा है, देखिए हो रही है बदमाशी आज। वेयर इज लव यू दोस्त? वेयर इज लव यू दोस्त? नो लव यू दोस्त? चकाचक बा। ओके, सो आज जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, फटाफट एक छोटू सा इंट्रोडक्शन। आपका दोस्त कई सालों से पढ़ा रहा है, अब ये 12 हो गया है, दिस इज नाउ 12। अरे भैया हमें तो कुछ दे दो ना, गिटार उटार की आवाज आ रही है जी कहीं से, कौन बजा रहा है? 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू नो मेंटर्ड, काफी सारे जो है रैंक आपकी दुआओं से अच्छे अच्छे बना चुके हैं, और ढेर सारे आईटी सिलेक्शन से, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी से सर्टिफाइड, और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर से भी अब हम सर्टिफाइड होने वाले हैं। एक बार तो तालियां हो जाए। जितने दोस्त हमारे आज पहली बार जुड़े हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर डालो, कुछ बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आगे आने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे जो जिनकी की कल्पना आपने नहीं की है, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स ऑल्सो बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं। सो लव यू सो मच। कौन कौन है? तुषार है, अफान हुसैन है एंड आदित्य है। हाउ आर यू ऑल गाइस? चलो लेट अस गेट स्टार्टेड, शुरू किया जाए। कैलकुलेट द एवरेज मास, एवरेज मोलर मास, फटाफट आप कैलकुलेट करोगे एवरेज मोलर मास। आपके लिए पहला क्वेश्चन यहां पर स्क्रीन पर ये, कोई मुझे बताएगा अगर N2 और O2 के मैंने 10 मोल्स दे दिए हैं और 5 मोल्स दे दिया, यार ये बैकग्राउंड म्यूजिक कहां से आ रही है, 5 मोल्स दे दिया, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर बता दो फटाफट, फटाफट बता दो, बताओ जरा क्या मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, फटाफट बता दो। मोलर मास ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला याद है? गिटार की आवाज कहां से आ रही है पता नहीं चल रहा मुझको। मोलर मास ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला याद आ रहा है दोस्तों? बताओ फटाफट यार। M1X1 प्लस M2X2 याद आया कुछ? नहीं याद आया। अच्छा ऐसा क्या? गिटार की आवाज कहां से आ रही? कौन बजा रहा है? 284 10 15 ग्राम उज्जवल ओपी, उज्जवल ओपी क्या चल रहा है? ध्यान नहीं तुम लोगों का? सब समझ रहा हूं मैं, गिटार की आवाज नहीं आएगी, बस उज्जवल उज्जवल ओपी, उज्जवल ओपी गिटार ओपी, हैंडसम ओपी, ओ थैंक यू थैंक यू। उज्जवल ओपी क्या चल रहा है ये? साइड में देखो, कहां साइड में देखो, क्या दिखा रहे हो, क्या चल रहा है ये? ओ हद है, लेकिन लोग ना उफ, मतलब ये कि अब उज्जवल की म्यूजिक इतनी अच्छी लगने लगी है कि आप जो है बस हर वक्त जो है वो उज्जवल ओपी करते रहोगे। चलो आज सॉल्विंग करते हैं फटाफट। एवरेज मोलर मास की वैल्यू, एवरेज मोलर मास का रिलेशन याद आ रहा है आपको? अगर याद आ रहा है तो फटाफट आ जाओ क्वेश्चन पर, बिल्कुल ध्यान मत बटाओ, चेक करते हैं। आपने शायद आंसर बताया भी यार, 280 है ना समथिंग, कुछ 410 समथिंग कुछ आप बता रहे हो। चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक करोगे तो 160 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। सही है क्या ये? क्या मैंने सही एडिशन किया है क्या? क्या एडिशन के लिए मुझे आपसे चेक करवाना पड़ेगा क्या? 340 प्लस 100 440
ओ माय गॉड, 440 डिवाइडेड बाय 15 आ रहा है दोस्तों, क्या सही है आपका 440 बाय 15, 440 बाय 15, ओह क्या कर रहे हो, 440 बाय 15 है, 28 मोलर मास है N2 का और 32 मोलर मास है O2 का, ओके? हमने लगाया ये रिलेशन, बट ये रिलेशन हमने आपको डिराइव करके भी दिखाया था कि आप रिलेशन भी यूज कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअली भी आप चल सकते हो, आप यहां से भी ऐसा काम कर सकते हो कि आप मास निकाल लो सिर्फ और सिर्फ N2 का, और वो मास हो जाएगा 28 × 10, राइट? यहां से निकालोगे O2 का मास टोटल, तो वो 32 × 5 हो जाएगा, और अगर आप मास को ऐड कर दो तो 280 + 160, दैट मीन्स 440 आ जाएगा। सो टोटल मोल्स कितने दिए गए मिक्सचर में, 15 मोल्स। अगर 15 मोल्स का मास यहां दिखाई दे रहा है 440, तो एक मोल का मास कितना आएगा, फॉर वन मोल यूनिटरी मेथड से साफ पता चल रहा है कि मास जो आएगा वो 440 डिवाइड बाई 15 आएगा, करेक्ट? बट जब कभी भी आप एक मोल के लिए मास निकालते हो, वो मास जो है मोलर मास ऑफ मिक्सचर कहलाता है। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर फटाफट निकाल दिया हमने, वो 440 बाय 15 आ गया, सही है? आपने कैलकुलेट किया है वही आया ना, तो फिर गड़बड़ आंसर कैसे निकाल रहे थे आप? गड़बड़ आंसर क्यों निकाल रहे थे ये बताओ, आंसर्स गड़बड़ क्यों निकल रहे थे? गड़बड़ नहीं निकलना है, आप या तो यूनिटरी मेथड से चलो, टोटल मास कैलकुलेट करो, टोटल मोल्स कैलकुलेट करो, फिर एक मोल के रेस्पेक्ट में काम कर दो, बिकॉज जब कभी भी आपसे एवरेज मोलर मास बोला जाए या सिंपली मोलर मास ऑफ मिक्सचर बोला जाए ना दोस्तों, ये हमेशा मास ऑफ वन मोल होता है, हमेशा ये क्या होता है, मास ऑफ वन मोल होता है, मास ऑफ वन मोल होता है। तो चाहे मिक्सचर का पूछे, वैसे आप जब कभी भी वर्ड एवरेज लगाते हो इसका मतलब ही होता है कि आप एक मोल मिक्सचर के रेस्पेक्ट में बातें कर रहे हो, मिक्सचर का मोलर मास निकाला जा रहा है, किसी एब्सोल्यूट स्पेसिस का मास नहीं निकाला जा रहा है। जब कभी भी एवरेज कहेंगे दैट मींस कि मिक्सचर है ना, एवरेज निकालेंगे क्यों, पक्का वहां पर मिक्सचर होगा तभी तो, और दो गैसेस नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ये जो हम यूनिटरी मेथड निकालते हैं ना दोस्तों, वो इसी फॉर्मूले को जन्म देता है, ये यूनिटरी मेथड जो है वो इसी फॉर्मूले को जन्म दे रहा है। हमने यहाँ यूनिटरी मेथड से काम किया, उससे सेम बात आ गई जो हमारे इस फॉर्मूले से बात आ रही है। इसका मतलब जब कभी भी मुझे एवरेज मास निकालना होगा यही काम करेंगे हर बार। सपोज दैट आपको सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं, और इस सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको क्लोरीन दिया जिसका के एटॉमिक मास है 37 आइसोटोप, आइसोटोप मैंने क्लोरीन का 37 वाला दिया, और फिर मैंने 35 आइसोटोप, 35 एटॉमिक मास वाला भी आइसोटोप दे दिया, और बताया कि ये जो 35 वाला है ना, ये ओवरऑल 90% एग्जिस्ट करता है, और जो 37 वाला है वो 10% एग्जिस्ट करता है, ओके? अब आपको बताना है कि इस मिक्सचर का एवरेज मास क्या है, और मुझको लग गई है गर्मी, क्या लग गई, गर्मी। अब हम क्या चलाएंगे, पंखा, है ना? वैसे आप लोग तो फैन हो हमारे, आप ही लोग चल जाओ, वाह क्या पीजे, वाह क्या पीजे, आप लोग फैन हो हमारे, चल जाओ, आप ही चले जाओ, अगर आप चलोगे तो हमें ठंड मिलेगी, राहत मिलेगी, पसीना हमारा सूखेगा, थोड़ा तो प्यार दो दोस्तों। हाँ हाँ हम एसी है ना, देखो हमारे एसी आए हुए हैं, एसी साहब, एसीपी साहब, एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसी साहब, हमारे एसी साहब भी आए हुए हैं। आ जाओ फटाफट, गड़बड़ मत करो, जल्दी रिवाइज करो, फिर नया टॉपिक शुरू करना। यू नो दैट लिमिटिंग एजेंट और पीओएसी आज का टॉपिक है, खत्म होना चाहिए। 35.001, ओ माय गॉड, सच में? देखिए जब परसेंटेज दिया जाएगा ना दोस्तों, तो परसेंटेज से भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। देखो परसेंटेज अगर दिया गया 10% और 35 का दिया गया 90%, तो जब भी परसेंटेज दिया जाए ना, तो परसेंटेज हो सकता है बाई मास भी दिया हो, या हो सकता है कि बाई मोल दिया हो। जब कभी भी हम मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए बोला जाएगा, देखो इस केएफसी को नोट कर लो, जब कभी, अच्छा अंग्रेजों, मैं देसी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, अंग्रेज लोग बता दो मुझको, जब कभी मोलर मास ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना हो देन परसेंटेज वैल्यूज मोल के टर्म्स में एज्यूम करना, मोल के टर्म में एज्यूम करना, ओके? सो दैट एक्चुअली मीन्स कि परसेंटेज मोल ऑफ सीएल 35
इज 90%। तो परसेंटेज बाई मोल का मतलब क्या हुआ, 100 मोल अगर आप पूरे मिक्सचर का लोगे उसमें से 90 कौन आएगा, क्लोरीन 35 आएगा। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने होंगे क्लोरीन 35 के, तो मैं लिखूंगा क्लोरीन 35 के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स का मतलब क्या होगा, क्लोरीन जो 35 वाला है और जो क्लोरीन 37 वाला, दोनों के मोल। तो अगर टोटल मोल 100 है तो उस 100 में से 90 मोल्स किसके आएंगे, क्लोरीन के। दैट मींस मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.9। तो जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन दिए जाए ना मेरे दोस्तों, हमेशा परसेंटेज देखते के साथ समझ जाना, ओके यार यही तो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा, यही इसी से तो हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, बस 100 से डिवाइड करना है, मोल फ्रैक्शन निकल गया, डन। तो 0.9 आ गया मोल फ्रैक्शन Cl35 का। इसी तरह से Cl37 का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अगर दो स्पीशीज दिए और एक का 0.9 है तो ऑब्वियसली दूसरे का 0.1 होगा, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करके, हमेशा दो कंपोनेंट है अगर, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करके हमेशा वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ओके यस, तो एक Cl37 बराबर 0.1। अब आप क्या करेंगे, अपना मोलर मास और मिक्सचर का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलर मास 37 इंटू मोल फ्रैक्शन 0.1 प्लस 35 इंटू 0.9। अब जरा चेक किया जाए आपका कैलकुलेशन, 9 इंटू 0.9 इंटू 35 कितना आएगा, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 31, तो कितने हो गए, ये हो गया 31.5 प्लस 3.7। ये देखो किस किसने गलत बताया था, जल्दी बताओ मुझको किस किसने गलत वैल्यू निकाली है, 35.2। अब जाकर के लोग समझ गया, अच्छा 35.2, बदमाशो एक बार में सही आंसर क्यों नहीं बताते हो, पहली बार में सही आंसर आना चाहिए था मेरे पास। 35.2 कितने लोगों का आया, जितने लोगों का 35.2 आया उनको ढेर सारा, नहीं उनको ढेर सारी झप्पी, और जिन्होंने गलत निकाला है उनको भी झप्पी। आज कोई प्रेम चोपड़ा की पप्पी नहीं मिलेगी किसी को। आओ औसम 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 औसम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, आइए फटाफट ये रिवीजन हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम आपसे बातें करेंगे 2 मिनट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्या कहते हो, है ना उज्जवल ब्रो, तुम आए थे क्या रूम में, पता नहीं चला था मुझे, बच्चे बोल रहे थे। अब ब्रो अभी रूम में आए थे क्या, बच्चे बोल रहे हैं कि, अच्छा ठीक है ठीक है, चलो कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास, एक क्वेश्चन और हो जाए फटाफट, तैयार है आप, फाइंड मोलर मास ऑफ एयर इफ इट कंटेन्स। हाँ बस, तुम्हें तो गिटार चाहिए, तुम्हें तो मोल कॉन्सेप्ट चाहिए ही नहीं, बेशरम सब। फाइंड मोलर मास ऑफ एयर इफ इट कंटेन्स 78% N2 एंड 21% O2 by mole, 1% by mole remaining is CO2। ये values आपको दी गई कि अगर एयर में 78% N2, अगर 21% O2 और अगर 1% बाई मोल CO2 होगा, तो फटाफट मोलर मास एवरेज बता दो। क्या करेंगे हम, हमें पता है यार मोलर मास ऑफ मिक्सचर किसी का निकालते हैं, यहाँ पर एयर का निकालना है, कोई बात नहीं, पता है कितने कंपोनेंट इस बार दिए गए, 3 कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट है, N2 है, O2 है, और कौन सा कंपोनेंट है, मुझसे पहले कैलकुलेट कर लो फटाफट, मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं तो तुमसे पहले कैलकुलेट कर दूंगा मैं, फिर हो जाओगे पीछे आप। मोलर मास ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ओके सो ओ यार ये किसने नजर लगाई यार, O2 होगा ना, N2 होगा ना, यहाँ पर बदमाशी कर रहे हो आप, नजर लगा रहे हो आप, मोलर मास ऑफ N2। मैं भी सीख गया हूँ आपके तरीके, जैसे आप क्या करते हो ना, कोई भी गलती होती है सब टीचर पे डालते हो, वैसे मैं भी सीख गया हूँ तरीके, कुछ भी होगा बस आपके ऊपर डाल देना, मैंने नजर लगा देते हो। 28 मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बताना जरा, 0.78। वाओ, आप चाहे तो देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, 78 बाई 100 भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है यो तुषार
एंड O2 के लिए 32 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 21/100। पॉइंट अगर आपको कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को ना फ्रैक्शन से बड़ी दिक्कत होती है, पॉइंट से बहुत डर लगता है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आराम से 100 डिवाइडेड बाय 100 करके आप कैलकुलेट करके 100 से बाद में डिवाइड करना। पॉइंट से अगर आपको गुस्सा आता है तो, पॉइंट से एलर्जी है आपको तो। मोलर मास ऑफ CO2 कितना है 44, और इसके लिए 1/100 मोल फ्रैक्शन लगेगा। अब फटाफट से कैलकुलेट करो। डर लगता है कैलकुलेशन से, अच्छी बात है, डर खत्म हो जाएगा। 78 × 28, बाकी आप ये सब तरीका जानते हो, आप ये सब काम कर सकते हैं 80 − 2 × 30 − 2, बट ये सब बहुत बोरिंग तरीका है, हम ये सब फॉलो नहीं करते, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं। कर लिया कैलकुलेट? नहीं किया, नहीं किया ना, करूं मैं 29, सच्ची क्या बात है, क्या बात। चलिए आइए चेक कर लेते हैं दोस्तों ढंग से, जरा कैलकुलेट कर लीजिए तो 78 और 28 कैलकुलेट कर लेते, भरोसा नहीं आपके ऊपर, कुछ भी गलत सलत कर दोगे। पिछले बार भी 35.001 कर रहे थे, 35.2 था, तो 88 64 4 6 62 सही है। ओ भाई साहब 2184 एंड प्लस 32 × 21, भाई 32 × 21 कर दें 672 आ रहा है, 672 आया प्लस 44 आया डिवाइडेड बाय 100 है। जरा चेक करते हैं कितनी कैलकुलेशन आपकी सही है। 672 भरोसा नहीं है क्योंकि मुझे 0 1 9 7 9 and 7 16 16 and 4 20 0 2 and 9 oh my god, सच में एग्जैक्ट आंसर ला दिया। अरे बदमाशो कैसे किया ये, कितना बड़ा वाला कैलकुलेटर ला करके बैठे हो, कौन सा कैलकुलेटर लाए हो तुम, सैमसंग का या MI का या एप्पल है या फिर और कौन सा बच गया, ओप्पो है या वीवो है, कौन सा कैलकुलेटर है ये, कैसियो तो नहीं होगा ये पता है मुझको। यह जानता हूं मैं सारे तरीके आपके, माइंड कैलकुलेटर सच्ची, कितने लोगों ने सचमुच में खुद से किया है, खुद का सर जी, क्या बात है 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 क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आइए बढ़ते हैं। एक गैसियस मिक्सचर दिया गया है जहां पर 40% H2 है एंड 60% हीलियम है। सो एक कंटेनर होगा ऐसा कुछ जिसमें कि H2 होगा और ये 40% है और हीलियम है इसमें फिर 60%, और बाय वॉल्यूम कहा है। देखिए याद रखिएगा परसेंटेज जो भी बाय वॉल्यूम होता है ना वो परसेंटेज बाय मोल्स होता है, अभी याद रखिएगा, आगे आपको मैं ये बहुत एक्सप्लेन करूंगा बट अभी ध्यान रखिए, ये यूज करके सॉल्विंग कीजिए। परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज बाय मोल होता है, तो एक्चुअली कई बार मोल की जगह पर ये टर्म यूज कर देते हैं बाय वॉल्यूम, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको फटाफट बाई मोल एज्यूम करो और सॉल्विंग स्टार्ट कर दो। टोटल नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द 10 ग्राम ऑफ सच मिक्सचर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पूछा है, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। सो ध्यान से, आप मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हैं, आप जब भी मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालेंगे वो एक मोल का मास होगा, करेक्ट, एक मोल का मास निकाल लीजिए, एक मोल का मास जो होता है वो मोलर मास होता है। चलिए अगर एक मोल का मास आप निकाल लेते हैं तो सपोज दैट वो आता है 5 ग्राम, तो 10 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स, तो वही पूछा जा रहा है कि 10 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो मोलर मास निकालते हैं ना फटाफट, उससे काम बन जाएगा। चलिए आप बताइए क्या आ रहा है, आप तो बस सी 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 का स्क्वायर सी टू सी टू ट्रिपल सी, ये देखो सी फोर भी आ गया प्रकाश की तरफ से, 4 C आ गए हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं भाई, देखते हैं क्या आया आंसर, 3.125, ये किसका था, किसी का है, ओके है। बनाने का तरीका क्या था, बस वही परसेंटेज बाई मोल अगर दिया गया है तो जिस गैस का क्या, गैस कौन सी है, H2, तो H2 गैस का परसेंटेज बाई मोल है 40%, परसेंटेज बाई मोल इज इक्वल टू 40, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन H2 का कितना हो गया 40/100, दैट इज 0.4, करेक्ट। और अगर हीलियम दिया गया है ये 60% बाय मोल है ना, 60% बाय मोल, दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इज 60/100,
तो अगर मुझे निकालना है एवरेज मोलर मास, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर स्पेशीज का मास निकालूंगा, मोलर मास लिखूंगा। मोलर मास अगर निकालना है मुझको, तो मैं हाइड्रोजन का मोलर मास 2 लिखूंगा, उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस हीलियम का मोलर मास 4 है मल्टीप्लाइड बाय उसके मोल फ्रैक्शन के 0.6। इससे आंसर क्या आएगा, 0.8 प्लस 2.4 दैट इज 3.2। सो 3.2 ये एक मोल का मास है। मोलर मास ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या होता है, वन मोल ऑफ मिक्सचर कितना वेट है इसका, 3.2 ग्राम, और उल्टा 3.2 ग्राम से कितने मोल, वन मोल। 3.2 ग्राम जो मिक्सचर का वो वन मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 ग्राम, ये जो 10 ग्राम पूछा गया था, ये कितने मोल को रिप्रेजेंट करेगा यूनिटरी मेथड, 3.2 मतलब वन मोल, तो 10 ग्राम मतलब कितना आ जाएगा, 1/3.2 × 10 या फिर 10/3.2 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.125, करेक्ट। आप यूनिटरी मेथड से चल दो या फिर फॉर्मूले से चल दो। अब ये एक बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में याद है हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे थे, यहां उसी पर है, ये रिवीजन उसी का है। व्हाट इज द नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम। सो आयरन का एक मास, आयरन का एक सैंपल दिया गया जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और इस सैंपल का मास है 2.8 ग्राम। तो फटाफट सैंपल पहले याद रखना, अभी ना सैंपल जो है वो प्योर है, अंग्रेजों प्योर लिखा है, पूरे मत पढ़ देना। कल तुम लोग जब मैंने पूरे लिखा था तो प्योर पढ़ रहे थे, आज मैंने प्योर लिखा है, उसको पूरे मत पढ़ देना। कुछ लोग तो पूरी पढ़ते हैं, आर के बाद ई है, आई नहीं है, फिर भी वो अंग्रेज बनते हैं और पूरी पढ़ते हैं। पूरी नहीं है भाई, प्योर है वो। तो प्योर, यहां पर प्योर आयरन दिया गया, आगे चल करके ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसमें कि प्योर नहीं दिया जाएगा, इम्प्योर दिया जाएगा, तो वहां पर परसेंटेज प्योरिटी के हिसाब से सॉल्विंग करनी होती है। देखिए, ये किसी ने बहुत कस के चिल्लाया, टेक्निकल गुरुजी और टेक्निकल रक्षित। तो 2.8 ग्राम ये प्योर सैंपल है, फटाफट इससे मोल निकाल दीजिए। इससे मोल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आयरन का एटमिक मास होता है 56। देखिए कितने लोगों ने अभी तक एटमिक मास नहीं याद किया है, मोल कॉन्सेप्ट पल्ले नहीं पड़ेगा दोस्तों, एटमिक मास याद कर लो, बहुत पहले से बोल रहा हूं, एटमिक मास याद कर लेना है, गड़बड़ नहीं करना। वाओ, डी फॉर एप्पल, क्या अंग्रेजी अंग्रेजों, देखा मैंने, डी फॉर एप्पल, ये किसका कराम, किसी करामात थी डी फॉर एप्पल, ये डी फॉर डंकी वाली हालत है, डी फॉर एप्पल वाली हालत नहीं है, ये सब देख रहा हूं मैं। ओके, सो मोल निकाला हमने, मोल क्या आ गया, अरे भाई साहब, मोल तो आ गया है 1/20, दैट मीन 0.05 मोल्स आ गए। सो अगर वन मोल हमने आयरन आयरन के एटम्स का लिया होता तो उसमें हमें कितने मिल जाते, अप्रोक्सीमेटली 6 × 10^23। अब हमें दिया गया है 5 × 10^-2 मोल्स, इसे लिख सकते हैं ना 5 × 10^-2। सो 5 × 10^-2 का मतलब कितने एटम्स आ जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 5 × 10^-2 से, ये हो जाएगा 30 × 10^21, जिससे आंसर आ जाएगा 3 × 10^22। कुछ लोग 0.0022 कर रहे होंगे, हम करते ही नहीं, हमें पता है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है इतना करते नहीं हम, ये सब स्मार्ट तरीके हैं सॉल्विंग करने के, अननेसेसरी डेसिमल्स को लेकर के आगे मत बढ़ो, ओके, फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा रिवीजन हो गया, यस, अब बताओ कैसा रहा रिवीजन, बढ़िया सब, आपने लास्ट क्लास में जो बातें पढ़ी थी वो सब आपके माइंड में है या नहीं है। जितने नए लोग हैं फटाफट सब्सक्राइब कर डालो, बिल्कुल मिस मत करो। फटाफट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपका पहले तो रूटीन ये है, जरा चेक करो 10th जुलाई, ओ माय गॉड, आज कौन सी जुलाई है, 7th जुलाई है, ये चल रहा है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, और बाकी आपका ये रूटीन है ना। तो जितने लोग रूटीन पूछते रहते हो, अच्छा सीबीटी का टेस्ट का आपने सिलेबस पूछा हुआ है, आज ट्राई करते हैं कम्युनिटी पेज पे वो लग जाए, सो दैट कि आपकी वो क्यूरी भी खत्म हो जाए। ये आपका रूटीन है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे अपने दोस्तों से शेयर करो कि आप एक बहुत एलीट प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, जहां पर बहुत ही अमेजिंग मास्टर टीचर है, जहां पर आपका दोस्त है टमाटर, ओ सॉरी विनय सर है, हाँ सही बोला ना, टमाटर विनय सर, ओके, और भाई अपने भाई हैं, और यू नो दैट कैप्टन है, मुगैम्बो है, आप एलीट टीचर्स के साथ जुड़े हो, यू आर एलीट आर्मी, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रिजल्ट्स में बाकियों से बहुत ऊपर, बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर जो टीम है उसने सिंगल डिजिट रैंक्स भी बनाई है, और अभी हमारे पास बहुत बड़ा वेपन है, बहुत बड़ा हथियार है, ऑनलाइन टीचिंग इज फ्यूचर, और टेक्नोलॉजी से लैस और बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही प्यारे तरीके से हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, बहुत मज़ा आता है।
टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पर 24/7 डाउट सॉल्विंग है, पर्सनलाइज इंटरवेंशन है, टेस्ट है, पोस्ट क्लास कॉन्टेंट, लाइव इंटरक्टिव क्लासेज है। वैसे मैं हर दिन आपको एक ज्ञान अलग से दे करके जाता हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ा हथियार आपका माइक्रो कोर्स होता है, और उस माइक्रो कोर्स का जो वेट है, जो इंतजार है, वो खत्म होने वाला है। माइक्रो कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। हाँ, एक और बड़ी न्यूज सबको पता है ना, अभी क्या हुआ है बड़ी न्यूज, जेई मेंस के बारे में आपको क्या पता चला है दोस्तों, बताओ एक बार, आपको जेई मेंस के बारे में क्या पता चला है? ये आपको पता चला है ना कि जेई मेंस अब जो वो दो बार होने वाला है, मैं भी ना उम्र 155 की और हरकत 55 की कर रहा हूँ, दो जो बचे हुए अटेम्प्ट थे वो अभी होने वाले हैं, अनाउंसमेंट हुआ है ना, पोखरियाल सर ने अनाउंसमेंट किया है कल, और हार्ट अटैक आ गया कई सारे बच्चों को, नहीं आना चाहिए, मजबूत बने रहो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो उसमें फाइट करना है हमें। तो थर्ड अटेम्प्ट 20, बस अपडेट लिख दो, डेट नहीं मांगा चलो ठीक है, बट आपने बताया कि आप डेट देख ही रहोगे, 25 जुलाई को थर्ड अटेम्प्ट खत्म होगा और 27 को स्टार्ट हो जाएगा फोर्थ अटेम्प्ट। यू नो दैट के बच्चे भी बहुत परेशान से हैं कि यार अभी तक तो रिलैक्स थे हम, और अचानक से जेई मेंस के डेट आ गए और अचानक से दोनों अटेम्प्ट साथ साथ आ गए हैं दो दिन के गैप पर, तो ये काफ़ी मेंटली परेशान कर रहा। बट अपने जितने भी आपके जानने वाले होंगे ऐसे जो परेशान होंगे, कह देना उनसे फ्राइडे से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है लास्ट के 12 दिनों के लिए, लास्ट के 10-12 दिनों के लिए, और लंबी लंबी क्लासेस भी चलेंगी। सारी क्लासेस जो भी जेई 2021 वाले हैं उनको ज़रूर बता देना कि फ्राइडे से स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही अच्छे लेवल पर हम ले जाएंगे। अगर वो 10-12 दिन भी वो यूज़ कर पाएँ और हमारे साथ चलें तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। और एक चीज़ जो आपको दिखानी थी अभी, अच्छा हाँ, यूट्यूब पर ही सी, एक दो बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा हमें ये बता दो कि एग्जैक्टली, अरे ये यूट्यूब को क्या हो गया, एक दो बच्चे कह रहे थे कि सर, अरे ये कौन सा गेम है, देखो ना अपने पास यूट्यूब प्रीमियम है लेकिन अकाउंट दूसरा है, हमसे यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट देखा ही नहीं जाता है, दूसरा अकाउंट है लेकिन स्टार्ट हो गया। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बता देना किस तरह से प्रो सब्सक्रिप्शन लेते कैसे हैं, आ जाओ वो भी दिखा देते हैं। आप जैसी ये वीडियो चल रही है, ये देखो, अरे मैं रुक कैसे गया, ये देखो मैं मटक रहा हूँ, मटक लो भाई, स्लो आइए, हाँ मज़ा आता है ऐसे करने में। तो ये देखो, हाँ अब मुझे पता है ये जो है उधर वाले को डांटेगा, बोलेगा हाँ 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 कर ले, मारना मत, हाँ देखा बहुत बदमाश बंदा ये, अरे चला जा भाई। सो जितने भी आप में से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि प्रो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, यहाँ पर आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा यहाँ पर लिंक, प्रो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ था, आप उसको क्लिक करोगे। 2023 वाले हो, 2023 के अगर नहीं हो, 2025 के हो, 2050 के हो, कोई आया था ना आप में से, सर प्लीज स्ट्रेटजी फॉर 2085, 2085 भाई साहब, 2085 में तुम एलन मस्क के साथ हम लोग मार्स पर होंगे, कुछ भी बोलने में बहुत मजा आता है ना। लेकिन चलो वापस सीरियस हो जाओ, 2023 की जनता है, चेंज नहीं करना, 2023 की जनता है, 2023 का प्रो लेना है तो यहां जाएंगे, और अब वॉच वीडियो लिखा हुआ है तो वीडियो वॉच कर लेना, बिना वीडियो वॉच किए हुए भी तुम नीचे जा सकते हो, क्योंकि कहीं पर भी वीडियो वॉच का लिखा रहता है तुम वहीं पर वॉच करने लगते हो, तो मैंने बता दिया करना होगा तो कर लेना, नहीं तो नीचे लाइट लेना है, क्लासिक लेना है, प्लस लेना है, प्लस हम रिकमेंड करते हैं कि प्लस लेना, आपको मेंटर भी मिलेंगे, आपकी चिंता खत्म, आपकी पूरी तरह से चिंता खत्म, आपको मेंटर मिलेंगे जो दो साल आपको गाइड करेंगे। वैसे आपका दोस्त आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, और बीस्ट केमिस्ट टेलीग्राम लिंक है, अभी मैंने आज 12 स्टूडेंट्स को रिप्लाई गए हैं टेलीग्राम पर, आप उसमें से थे या नहीं ये बताओ। मैंने हर तरह के क्वेश्चन जो टीम ने मुझको दिए थे मैंने सबके रिप्लाई दिए, और होपफुली कि इसी तरह से इंक्रीज करता जाएगा, आप टेलीग्राम पर जो कुछ भी पूछोगे सब मिल जाएगा। तो प्रो प्लस पे चले जाओ या लाइट करने का मन है वही ले लेना,
एमआर प्रो कूपन अपने आप अप्लाइड हो जाएगा। अगर आप इस डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एमआर प्रो कूपन अपने आप अप्लाइड हो जाएगा और ये आपका कॉस्ट पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं एक मंथ के लिए करना, तो एक मंथ पे टैप कर देना और फिर ये कंटिन्यू विद गूगल अपने अकाउंट के साथ चले जाना। इसमें मैं देख लेता हूँ मेरा अकाउंट के साथ जो है वो जा रहा है कि नहीं। देखो ना, मेरा लॉगिन नहीं किया हुआ है तो अभी नहीं जा रहा है, बट फर्क नहीं पड़ता। ओहो, चला गया। अच्छा, यहाँ पहुँच गया। अच्छा, लॉगिन करना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मैं लास्ट में जब ख़त्म करूँगा लेक्चर ना, तो लॉगिन करके भी दिखा दूंगा। इसके बाद बस एक विंडो और आपको मिलेगी जिसमें कि चूज़ करना होगा UPI। मेरे पास भीम और गूगल है, आपके पास क्या है? तो UPI चूज़ कर लो, या फिर नेट डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड जो भी है वो ऑप्ट कर लेना और पे नाउ पे बटन दबा देना। और बस अपने दोस्त को एक बार याद कर लेना, बोलना दोस्त बस आपके भरोसे ले रहे हैं, आप हेल्प करते रहना। ओके, चलो, सो गेट बैक टू द सेशन। एक बार मैं थोड़ा सा खुद को तंग कर लूं। भाई हेलो, बहुत हो गया, चलो कितना बोलोगे, थकते नहीं हो क्या? इस बार जेई के लिए, जेई मेंस के लिए संडे को लेक्चर लेने वाले हैं और मेरा मन है कि इस संडे को पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दें। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 10-12 घंटे का लेक्चर हो उस दिन, तो इतिहास बनने वाला उस दिन है ना, इतिहास बनने वाला। वैसे आपके दोस्त का रिकॉर्ड आपको पता है पहले से, कितने का रिकॉर्ड है? 8 घंटे का, बट अपना ही रिकॉर्ड में तोड़ने वाला इस संडे को। तो कितने देर की क्लास ली जाए बताइए, कितने देर की क्लास ली जाए बताइए। आप जितने देर की क्लास लेंगे बोलेंगे उतनी देर की क्लास ली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका कुछ भरोसा नहीं। आप बोल दोगे 25 घंटे, देखो देखो आ गया, मैं जान रहा था, कुछ भी लिख देंगे ये, कुछ भी सर, लेते लेते मर जाओ, हमें क्या है? हमें तो थोड़ी देर में भागने का मन करता है, हम तो बस आधे घंटे से ज़्यादा नहीं देख पाते। हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर स्क्रॉलिंग करनी होगी तो वो हम 3-4 दिन तक कर सकते हैं, हमें तब नींद नहीं आते, तब हम बोर नहीं होते। अच्छा, अभी एक क्यूरी बहुत आती है आप में से, कई सारे स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी क्यूरी आती है कि सर अगर कहीं प्रोग्रेस नहीं हुआ तो लेने का क्या फ़ायदा है। ये शंका 100 में से 1-2 बच्चों को आती है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, इतने अमेजिंग टीचर और इतने अमेजिंग पोस्ट क्लास कंटेंट है, इतना अमेजिंग जो 2 घंटे हमारे जो बीतते हैं या 1.5 घंटे का जो भी क्लास होती है, आपकी जो क्लास होती है वो क्लास इतनी अमेजिंग होती है कि कभी आप फील ही नहीं करते कि आपको आपको किसी तरह की परेशानी। बट इनकेस कि आपको कोई डाउट हो, तो अभी ये हमारा VIP ये ऑफर चल रहा है वेदांत इंप्रूवमेंट प्रॉमिस का, कि अगर आप रेगुलर आते हो हमारे पास, 75% अटेंडेंस आपकी होती है, आप रेगुलर होते हो तो श्योर है कि आप में प्रोग्रेस पक्का होगा। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कहीं से भी किसी को डाउट, और जैसा मैंने बताया आपको कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ, जानने वालों को बताओ और उनका पासवर्ड शेयर करो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, जब भी करना है खुद से ही करना है। और जो प्राइस है ना वो 2700 लाइट के लिए, दैट इज़ इतने पैसे हम शायद यूँ ही वेस्ट कर देते हैं मंथ भर में। हो सकता है आप में से कुछ लोग अफोर्ड ना कर पाए, उनके लिए यूट्यूब है। वैसे आपको हमेशा कहते हैं कि YouTube और इसका हाइब्रिड बना लो, जब जहाँ से आपको ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें दिखती हैं सब देख लो। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप जो है मतलब हाइब्रिड बनाना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बट कभी आपको लगे कि नहीं यार प्रो पे फोकस करना, प्रो पे फोकस करो, यहाँ फोकस करना यहाँ फोकस करो, बट रिसोर्सेज में कभी भी कमी नहीं करते, और ख़ास करके जब ऐसा ऑफर चल रहा है तब आपको फील होता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं है, पैसे वापस। दिस इज़ समथिंग अमेजिंग जो वेदांतु पर आपका विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत करता है। हमेशा की तरह आज कुछ बहुत मज़ेदार बात है, और वो बात जो है वो कालिया सर से रिलेटेड है, आज थोड़ी सी हल्की सी मोगैम्बो से भी रिलेटेड है। यू नो कालिया सर एंड मोगैम्बो, भाई मेरा भाई मेरा भाई और मोगैम्बो, ये कोड है भाई, कोड लगा लेना। आप देख रहे थे जब मैं आपको दिखा रहा था ना, अभी लिंक पर टैप करके जाने का प्रोसेस बता रहा था, तो ये अपने आप अप्लाई हो जा रहा था, क्योंकि मेरे ही डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली वो कोड अपने आप अप्लाई हो जाता है। तो कोड अप्लाई हो जाएगा, कोड लगा देना और आप मुझको मैसेज कर देना। आज भी 3 बच्चों के मैसेज आए हुए हैं सुबह से जिन्होंने प्रो लिया है, और ऑलमोस्ट जितने भी बच्चों के आते हैं, आज तो एक बच्चे ने व्हाट्सएप किया है, व्हाट्सएप कहाँ से कर दिया मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये अश्मी का काम है पक्का, इसी ने जो है
गड़बड़ किया है। तो व्हाट्सएप कैसे कर दिया ये नहीं समझ में आ रहा है, बट चलो कहीं पर भी आप कहीं भी मैसेज करो। बट मेरे दोस्त जब भी ये कोड लगाते हो तो मुझे मैसेज ज़रूर करो, सो दैट कि मैं जितने स्टूडेंट्स प्रो लेते हैं उनकी लिस्ट अलग रखता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ अपने टीम मेंबर्स को बोल करके उन पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए। आप मुझसे भी अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो, स्पेशली अगर आप कोड लगाते हो, आपके पास स्पेशल मेरा आपके लिए स्पेशल मैं टाइम निकालूंगा और आपसे डिस्कशन करूंगा। सो इस इन्फॉर्मेशन के साथ, और जिनको टेलीग्राम आईडी चाहिए, अलग अलग जगह पर कहीं भी कमेंट करते रहते सर टेलीग्राम आईडी दे दो, उनके लिए है बीस्ट केमिस्ट, इसी से हम चेस भी खेलते हैं। स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। आज का सेशन जो है वो स्टार्ट होगा इस मीम से, पहचानिए इस मीम में क्या बोला जा रहा है। वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रॉब्लम्स, लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, या यू कह स्टॉइकोमेट्री यानी कि रिएक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, अक्सर उसमें आप गड़बड़ करते हैं। बेसिक मोल के जो कॉन्सेप्ट अभी तक हुए हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, बट अब रिएक्शन से स्टार्ट होने वाले हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वाओ, ये क्या हो गया बर्गर, ये लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट में बर्गर का क्या काम है? मेरे दोस्तों मुंह में पानी तो आ रहा होगा आपके, बट यू नो दैट कि इससे कहीं ज्यादा हेल्दी है बॉइल्ड चिकन, जिसका नाम सुन करके आप जो है सोच रहे हो यार सर वाइल्ड चिकन कौन खाता है। वाइल्ड चिकन हमारे ही जैसे बाइसेप्स वाले लोग खाते हैं, यू नो, जिनकी बॉडी में जान होती है, जो 8 घंटे लगातार क्लास ले सकते हैं, और इस संडे जो है वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। अब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे बर्गर के थ्रू, पार्ट्स ऑफ बर्गर आपको दिखाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे फेवरेट पार्ट आपका ये होता है। मेरे सबसे फेवरेट पार्ट है ये दोनों, वैसे ये बहुत फायदेमंद चीज़ है, यू नो दैट के ग्रीन वेजीज आर की टू योर हेल्थ। ओके, तो ये पार्ट्स है ना बर्गर के, ये पार्ट्स है बर्गर के, जरा देखिए तो हाउ मेनी बर्गर कैन बी मेड, आपसे मैं पूछूंगा कितने बर्गर बन सकते हैं, जरा बताना तो कितने बर्गर बन सकते हैं। अभी इसी कॉन्सेप्ट से आप सीख जाओगे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। क्या टेस्टी कॉन्सेप्ट है यार, क्या टेस्टी कॉन्सेप्ट है, फटाफट बताना कितने। ये यार बर्गर भी नहीं बना रहे हो तुम लोग बदमाशो, बर्गर भी गलत बना रहे हो, कितने बदमाश हो, कितने बदमाश हो। ये 5 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, लेकिन ये 3 दिख रहा है। अगर ये 5 दिखेगा, ये जो टिक्की है, ये हो सकता है कि चिकन वाला हो सकता है कि सिर्फ आलू हो, तो मान लो आलू टिक्की है ना, आलू टिक्की, और ये आपको दिख रहा है कि साथ में जो वेजिटेबल है ये एक्चुअली क्या होता है, लेट्यूस होता है, तो लेट्यूस और ये गड़बड़ चीज, तो ये 6 पीस है, ये 3 पीस है, वो 4 है, ये 5 है, सबसे कम कौन है, ये एक कंप्लीट बर्गर में ये भी होना जरूरी है, तो करेक्ट आंसर कितने आएंगे, 3 ऑनली। तो चाहे कुछ भी आप ज्यादा रख लो, जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट है आपका, हमेशा याद रखना है प्रोडक्ट किसकी वजह से बना है, लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। आ जाओ मैं मार्क कर दूं यहां पर, अगर आपसे पूछा जाए ये 4 चीजें थी, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है, इन 4 में से ये स्पेशीज जो है ना ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और सबसे ज्यादा एक्सेस कौन है मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा एक्सेस है ये। आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, 3 बर्गर क्या, मैं तो एक ही बर्गर मानूंगा, इस सबको मैं एक ही बर्गर में डाल करके यम्मी यम्मी आऊं खाऊंगा, लेकिन नहीं, वो गलत तरीका है। जो हिसाब किताब आपको बताया गया है कि एक बर्गर में 1 स्लाइस डालना है, तो 1 ही स्लाइस डालना है, ये नहीं कि सारे का सारा एक ही बर्गर में डाल दिया, बोला कि एक ही बर्गर बनेगा, ऐसा चटोरापना नहीं करना है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एक्सेस में है, जो सबसे ज्यादा एक्सेस में है वो एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट एक ही होता है, वैसे एक्सेस ये भी है, ये भी एक्सेस है, बट सबसे ज्यादा ये और ये भी एक्सेस है। लिमिटिंग रिएजेंट एक ही होता है, लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा जितने भी स्पेशीज होंगे ना सारे के सारे एक्सेस रिएजेंट होते हैं, बट लिमिटिंग रिएजेंट एक ही होता है। अगर हो सकता है एक से ज्यादा लिमिटिंग रिएजेंट अगर इक्विवेलेंट अमाउंट अगर रखा जाए तो, नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में क्या होगा, एक ही लिमिटिंग रिएजेंट मिलेगा, हाँ डबल चीज भी हो सकता है, बस मैं यही समझ ही रहा हूं, बस तुम्हारा ध्यान जो खाने पे ही चला गया। डिस्पाइट देयर बीइंग 4 buns 6 slices, अयो तो 4 buns थे 6 slices थे, चीज था, पैटीज थे,
five patties, we can only make three burgers because there are only three lettuce leaves. That means limiting reagent actually controls the amount of product. So, jo limiting reagent hai, controls amount of product. Amount of product. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों, ये हमारा केएफसी है सॉल्विंग के लिए ना, और अभी चॉकलेट क्वेश्चन भी है सो इससे ध्यान रखना है. केएफसी लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करने का काम लिमिटिंग रिएजेंट करता है, एक्सेस रिएजेंट कभी नहीं करता है. तो जब कभी भी अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारे कैलकुलेशन का बेसिस कौन बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट. कैलकुलेशन का बेसिस कौन बनेगा? एक बार चैट बॉक्स में फोड़ दो, आग लगा दो. लिमिटिंग रिएजेंट बनने वाला है कैलकुलेशन का बेसिस. लिख दो चैट बॉक्स में, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा हमारे कैलकुलेशन का बेसिस. ओके, ठीक है. बाकी नीचे में जो बातें लिखी गई हैं वो आप समझ रहे हो. हेंस लेट्यूस लीफ आर नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑल द अदर इंग्रेडिएंट्स लेफ्ट ओवर आर नोन एज एक्सेस रिएजेंट. करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही है. तो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट का बेसिक सा डेफिनेशन यहां पर लिखा गया है. याद रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय खत्म हो जाएगा. कौन खत्म नहीं होगा? वो है एक्सेस रिएजेंट. ये खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है बेचारा, ये बचेगा नहीं. इसीलिए लिखा गया रिएक्टेंट दैट गेट्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट एंड लिमिट्स और स्टॉप्स द रिएक्शन. वो रिएक्टेंट जो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जिस रिएक्टेंट की वजह से प्रोडक्ट का अमाउंट कंट्रोल होगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट है. बाकी जितने भी रिएक्टेंट हैं वो सब के सब एक्सेस रिएजेंट है. नेक्स्ट, जब कभी भी आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट पहचानना हो सकता है आसान सा रिएक्शन दिया जाए, हो सकता है कि काफी लेंथी रिएक्शन दे दिया जाए जिसमें तीन चार रिएक्टेंट हो या तीन चार से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो आखिर किस तरह से पहचानेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? इस पर, इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको एक आसान सा एग्जाम्पल देता हूं, जरा देखना. अभी आपने बर्गर और पैटीज वाला एग्जाम्पल देखा था, बट अब रिएक्शन पर आते हैं. जरा रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को देखो, बड़ा प्यारा रिएक्शन है. ये आगे भी केमिस्ट्री में बहुत बार आएगा. PCl3+Cl2 इससे बन रहा है PCl5. सारे लोग बता सकते हैं ना इसका हाइब्रिडाइजेशन PCl3 का? जरा एक बार बताइए तो थोड़ा बॉन्डिंग भी जरा चेक हो जाए. PCl3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगा? तीन स्टेरिक नंबर तो थ्री दिख रहा है. अनुदीप, sp2 आना चाहिए ना, sp2 आना चाहिए. आप बोल रहे हो sp3 क्यों? एक लोन पेयर भी है यहां पर, करेक्ट? तो इसलिए sp3 है. अच्छा, PCl5 का क्या होगा? sp3d होगा, करेक्ट? अब जरा PCl3 और Cl2 के रिएक्शन को देखो. अगर आप PCl3 और Cl2 के रिएक्शन को ध्यान से देखोगे, साफ दिख जाएगा कि यहां पर जो मोलर रेशियोज हैं वो 1:1 है. तो अगर हमने ऐसा लिखा, 1 मोल ऑफ PCl3 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ Cl2 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ PCl5. 1 मोल ऑफ PCl3 रिएक्ट करेगा, जीरो हो जाएगा. 1 मोल ऑफ Cl2 रिएक्ट करेगा, जीरो हो जाएगा. तब ये स्टार्टिंग में जो जीरो था, अब ये खुद क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1 मोल. हम कहेंगे 1 मोल PCl3 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ Cl2 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ PCl5. ये हमने बोल कैसे दिया 1 मोल एंड 1 मोल? क्योंकि दिख रहा है यही तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है ना? इसे क्या पढ़ते हो? स्टोइकियोमेट्री पढ़ने वाले अंग्रेजों, ये देखो स्टोइकियोमेट्री नहीं होता है, स्टोइकियोमेट्री होता है. इसको स्पेल ऐसे करते हैं, सीख लो. साथ साथ में इंग्लिश भी सिखाता हूँ. सोचो ऐसा केमिस्ट्री टीचर जो साथ में तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छा कराता है. ICSE बोर्ड वालों, इंग्लिश अच्छी कर लो. स्टोइकियोमेट्री, उसे वैसे प्रोनाउंस किया जाता है ना? स्टोइकियोमेट्री बोला तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म. तुम तो मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते. मैं दूरी से बोल दूंगा, मैं उसको नहीं पहचानता भाई. मैंने देख लिया अगर तुमको मोहल्ले में बोलते हुए स्टोइकियोमेट्री, बोलो ये स्टोइकियोमेट्री वाला बंदा, मैं नहीं पहचानता इसको. तो स्टोइकियोमेट्री, इसका मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट. रिएक्शन के अंदर जो भी मेजरमेंट हो रही है ना, उस मेजरमेंट के लिए टर्म यूज किया जाता है. कैसा भी मेजरमेंट केमिस्ट्री में जो है वो स्टोइकियोमेट्री कहलाता है. तो स्टोइकियोमेट्री बता रही है कि यहां 1 है, यहां 1 है और यहां 1 है. और जो रिएक्शन होता है हमेशा मोलर रेशियोज में होता है, मोल्स के टर्म्स में होता है. तो ये 1 मोल PCl3, 1 मोल Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं. और चूंके हमें पता है रिएक्शन ये बताता है कि हिसाब किताब, देखो सुनना ध्यान से, एक होता है किस हिसाब से रिएक्शन होगा और
हमें रिएक्शन कराने के लिए दिया क्या गया है, दो बातों का ध्यान रखना है। चलो फटाफट एक बार रिपीट करो, दो बातों का ध्यान रखना होता है। कौन सी दो बात? एक कि स्टैंडर्ड रूप से रिएक्शन कैसे होता है, और एक कि उसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। ये नहीं समझ में अगर आ रही बात तो बैग जाते हैं, वापस जाते हैं, बर्गर बनाते हैं, वापस बर्गर बनाएंगे, फिर से बात समझ में आ जाएगी। देखिए, जब बर्गर बनता है तो बर्गर के लिए इंग्रेडिएंट है चार चीजें, और एक बर्गर बनाने के लिए एक सेट बन चाहिए, चीज चाहिए, या आलू पैटी चाहिए, और साथ में आपको लेट्यूस लीफ चाहिए। चार चीजें चाहिए तब जाकर के एक बर्गर बनेगा, और सबका वन 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 चाहिए। जो चटोरे लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं सर, एक से काम नहीं बनेगा, कम से कम 10-20 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है भैया, वो आपका बर्गर होगा, आपका बर्गर स्पेशल बर्गर होगा, लेकिन भैया नॉर्मल बर्गर ऐसे बनता है तो वन 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 सबके लगे हुए, वन वन मोल। तो ये हिसाब है बनाने का, ये हिसाब तो है बनाने का, लेकिन मेरे दोस्त जब हिसाब है बनाने का तो ये हिसाब है, तो रिएक्शन जब लिखा जाएगा ना तो यही हिसाब लिखा जाता है रिएक्शन में, रिएक्शन में ये हिसाब लिखा जाता है। बट रिएक्शन कराने के लिए जो गिवन अमाउंट होता है, रिएक्शन कराना मतलब एक्सपेरिमेंट करना, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हो तो ऐसे हालात होते हैं। सोचो घर पर कभी आपने रोटी बनते हुए तो देखा होगा ना, बनाई भी होगी हो सकता है। मैं लड़कों से पूछना चाहूंगा, लड़कों रोटी बनाई है ना? हाँ भाइयों, ओ सॉरी बहनों, रोटी बनाए हो ना? बहनों, भाइयों को मैं बहनों बोलता हूँ, पता है ना, क्योंकि लोग मुझे को मैडम ही बोलते हैं। तो बहनों रोटी बनाए हो ना? बहनों और भाइयों, चलो यार सभी रोटी बनाए हो, नहीं बनाए हो तो देखा होगा तुम्हें, पता है ना, मम्मी को सब पता होता है कि कितने किलो आटे से और कितने किलो गैस से, मतलब गैस, चलो मैं आटा और गैस को मानता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट है वो रोटी बनाने के लिए। तो मम्मी जो है वो गैस का सिलेंडर देख के बता देती है कि गैस का सिलेंडर हल्का हो गया अब तो रोटी नहीं बनेगी। मम्मी को पता होता है, और आटा देख करके मम्मी बता देती है आज तो रोटी कम बनेगी। तो सपोज दैट कि आप एक दिन में 100 रोटी खाते हो, मान लो, मैंने मान लिया, आप में से ज्यादातर लोग पेटू हैं क्योंकि वो चीज कर रहे थे, तो पेटू लोगों, हो सकता है कि मम्मी रोटी बनाए और आपको 100 रोटी खानी है, तो मम्मी ने बोला कि भाई आज तो आटा कम हो गया, 100 रोटी नहीं खा पाएगा। तो आटा इज लिमिटिंग रिएजेंट, मम्मी को सब पता होता कितने आटे से कितनी रोटी बनेगी, तो मम्मी को ध्यान था, अरे यार इतने आटे से ना 100 रोटी नहीं बनेगी, ये तो पेटू है तो 100 रोटी से कम खाएगा नहीं, तो इतने आटे जाकर के ना मार्केट से लाने पड़ेंगे तब जाकर के ये खाएगा, है ना। तो पता है कि मम्मी को पता होता है कि अच्छा ये कम हो गया। कई बार मम्मी सिलेंडर पकड़ती, लगता है कि अरे सिलेंडर हल्का हो गया, अभी तक सिलेंडर वाला सिलेंडर नहीं दे करके गया, सिलेंडर में गैस कम, लगता है कि अभी खाना नहीं बन पाएगा या खाना कम बनेगा, हो सकता है कि दाल पकते पकते बीच में ही दाल ना पके, हो सकता है कि तुम्हारा फेवरेट कुछ बन रहा हो, चलो तुम्हारा फेवरेट होगा गाजर का हलवा, पता चला कि गाजर का हलवा गाजर गला ही नहीं और गैस खत्म हो गया, तो गैस विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक होता है ना कि एक मेजरमेंट हमारे पास, हमें पता होता है किसी प्रोसेस को कराने का, दिस इज द मेजरमेंट, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, ये मेजरमेंट है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक्योमेट्री, ये स्टॉक्योमेट्री है। जिंदगी में ऐसे स्टॉक्योमेट्री कभी नहीं सीखोगे जैसे दोस्त तुम्हारा बता रहा है। सोचो ना कि बर्गर पिज्जा का एग्जाम्पल लेकर के कोई केमिस्ट्री कहाँ सिखाता है, मैं सिखाता हूँ, क्योंकि भैया केमिस्ट्री हर जगह है, केमिस्ट्री हम पॉलीमर है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, तो केमिस्ट्री हमारे कण कण में, हमारे मन मन में और कण कण में, मतलब हमारे एक एक मॉलिक्यूल, एक एक एटम के अंदर तो केमिस्ट्री है ना। फिजिक्स वाले बस हर जगह बोलते रहते हैं फिजिक्स, हर जगह दुनिया में फिजिक्स है, AKR सर भी वैसे बोलते हैं, विनय सर भी, यार दुनिया में जो भी है मेरे अंदर तो केमिस्ट्री है ना, मैं तो पूरा केमिस्ट्री से बना हुआ हूँ। पहले फ्रिक्शनलेस पुल्ली को खत्म करो, पहले फ्रिक्शनलेस सरफेस खत्म करो, मासलेस पुल्ली नहीं होती है, मासलेस स्ट्रिंग नहीं होता, पहले उसे खत्म करो, देखो केमिस्ट्री कितनी टेस्टी है ना। हाँ, तो एक होता है मेजरमेंट, ये मेजरमेंट है लेकिन एक्सपेरिमेंट हो रहा है ऐसे, इसी तरह से यहां पर भी कहानी है। देखो अगर सपोज दैट के आपको ना जब आपको पूछा गया कि स्टॉक्योमेट्री क्या है, तो स्टॉक्योमेट्री ये, वन मोल के लिए वन मोल चाहिए, ये वन मोल बनेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट के टाइम पर आपको वन वन ही दे दिया जाए, ये समझो, ये समझ रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ, ये जो वन और वन है ये स्टॉक्योमेट्री है, जैसे बर्गर बनाने के लिए चार चीजें चाहिए, सबका एक एक चाहिए, तो वो मेजरमेंट अलग है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया
तो आपको देखो अलग अलग तरीके से बन और ये सब दे दिए गए थे कि भाई देखो ये अब ना आप बताओ कि ये गिवन सिचुएशन है, मेजरमेंट तो ये होता है, मेजरमेंट तो ये होता है भाई, मेजरमेंट तो ये होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट अभी ऐसे हो रहा है और गिवन जो क्वांटिटीज उनको देख करके बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अमाउंट क्या होगा प्रोडक्ट का। ओके, तो ये हमें ना गिवन क्वांटिटी से पता चलेगा कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा, इससे पता नहीं चलता। यहां जो लिखा रहता है वो मेजरमेंट बताता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो गिवन क्वांटिटी पे होता है। तो सपोज दैट वो गिवन क्वांटिटी हमें कुछ दे दी गई है, सपोज दैट वो गिवन क्वांटिटी हमें कुछ दे दी गई है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि वो गिवन क्वांटिटी क्या है, क्योंकि जब तक गिवन क्वांटिटी नहीं पता होगी आप लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकाल सकते। तो गिवन क्वांटिटी देखो, ये गिवन क्या है, PCl3 के 5 मोल, ओके, और Cl2 के 5 मोल। तो मैंने फटाफट गिवन क्वांटिटी को कंपेयर किया हिसाब किताब से, तो हिसाब किताब क्या बोलता है कि इसके 1 मोल के लिए ये 1 मोल चाहिए। अरे वाह, तब तो इसके 5 मोल के लिए 5 मोल चाहिए था और 5 मोल दे भी दिया गया है, तो हिसाब किताब सही है बिल्कुल। ना तो कोई कम है, ना तो कोई ज्यादा है, ना तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, ना तो कोई एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है। लेकिन ये तो पहला केस था, सपोज दैट ऐसा हो गया ये 10 मोल दे दिया गया है ना, और इसे 5 ही मोल रहने दिया गया। अब बताओ कौन कम पड़ गया, बहुत आसानी से दिख रहा है, इसके 1 के लिए 1 चाहिए था, लेकिन इसके 10 के लिए 10 नहीं है, ये कम है, दैट मींस यही है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। थर्ड केस, हो सकता है कि ये आपको दिया जाए 8 मोल और यहां जो है ये स्पेसिस आपको दे दिया जाए 16 मोल। तो हमें साफ दिख गया यार, इसके 1 के लिए ये 1 चाहिए था, 8 के लिए 8 चाहिए, 8 मोल्स के लिए 8 मोल चाहिए, बट दे दिया गया ज्यादा, दैट मींस ये लिमिटिंग रिएजेंट है इस बार। डन, बात खत्म हो गई। पहले वाले केस में कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं था, यहां पर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, दिस वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, और बाद में ये लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन, PCl3। तो लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी होता है, स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट बोलते हैं वो क्यों नहीं हो सकता लिमिटिंग रिएजेंट, भाई वो रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट होता है लिमिटिंग रिएजेंट, प्रोडक्ट नहीं होता है, समझ रहे हो ना, प्रोडक्ट नहीं होगा। हाँ, जितने लोग लिख रहे हैं फिजिक्स ओपी, समझ जाओ शराब लग जाएगा उनको। तो PCl5 प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। अब जबकि आप पहचान गए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आपको तरीका पता चल गया है, तो इसको थोड़ा एडवांस लेवल पर ले जाएंगे, बट उससे पहले आप एक कैलकुलेशन मेरे साथ करो, आप एक कैलकुलेशन मेरे साथ करो, ठीक है। कैसे करोगे कैलकुलेशन, मैं आपको गिवन अमाउंट दे रहा हूं और आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है और साथ साथ बताना है कि प्रोडक्ट का अमाउंट क्या बनेगा। सो ये गिवन है, जरा देखो सारे लोग, गिवन अमाउंट है PCl3 का 10 मोल्स और Cl2 के मोल्स दिए गए 4। अब आप पहचानो फटाफट लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बहुत इजी है क्योंकि रिएक्शन बहुत इजी है ना, क्यों ना रिएक्शन को थोड़ा सा टफ बना दिया जाए, क्योंकि आप बहुत आसानी से समझ जा रहे हो कौन है, Cl2 है ना, बिल्कुल दिख गया मुझको। तो काम करते हैं, रिएक्शन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आ जाओ रिएक्शन चेंज करते हैं। कैसे चेंज करें, थोड़ा सा तंग करेंगे बस आपको, Fe+ Fe2O3+6HCl कर देते हैं, थोड़ा सा आपको मजा आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। Fe2O3 का रिएक्शन कराते हैं 6HCl के साथ और इससे बना देते हैं 2FeCl3+3H2O, ये बन गया, ठीक है। अब मैंने दिए हैं Fe2O3 के 10 मोल्स और HCl के दिए 4 मोल्स, अब आप बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जरा सा चेक किया जाए कि अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ध्यान से हिसाब किताब का यूज करके देखिए, इसके हर एक 1 मोल के लिए ये कितना होना चाहिए था, 6 टाइम्स, इससे 6 टाइम्स होना चाहिए था, तो अगर आप इसको 10 मोल लोगे तो ये कितना होना चाहिए था, 60, बट ये 60 नहीं है, बहुत कम है, सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। देखा, यूनिटरी मेथड से पहचान लिया ना, बट एक दूसरा मेथड है, क्योंकि हर बार हो सकता है कि कैलकुलेशन इतना आसान नहीं हो, तो अगर मान लो कि 2 स्पेसीज तो है अभी, लेकिन अगर 3 स्पेसीज होते, कोई 3 स्पेसीज वाला रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन लिखते नहीं है, बस मैं आपके सामने ऐसा कोई रिएक्शन लिख देता हूं, सपोज दैट ऐसा कोई रिएक्शन है A+2B+3C, ठीक है, या 4C कुछ होगा, और इससे ना प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और मैंने क्या किया, आपको बोला कि देखो गिवन मोल ऐसा है कि यहां पर 3 मोल्स हैं और यहां पर जो है वो 8 मोल्स हैं और यहां पर जो है ना 2 मोल्स है, तो अब पहचानो कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट। आप यहां पर यूनिटरी मेथड फॉलो कर सकते हो या आप एक दूसरी ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो, जो ट्रिक है उसको सुनो ध्यान से, सुनोगे बोलू मैं,
बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। केएफसी अपनी सुपर ट्रिक क्या है, हम क्या करेंगे, अगर आपको लिमिटिंग रीजन ढूंढना है तो जो भी गिवन क्वांटिटी है उसको यहां जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसे कोएफिशिएंट बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मेजरमेंट वाला कोएफिशिएंट, इस कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, तो ए के लिए रेशियो कितना आ जाएगा, 3/1, दैट मीन्स 3। अगर आप यही काम करेंगे बी के लिए तो गिवन मोल्स है 8 और उसको उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा 4। और यहां पर गिवन है 2 और उसको डिवाइड करेंगे 3 से, 2/3 आएगा। सबसे छोटी वैल्यू डिवीजन करने के बाद क्या आ रही है, सी के लिए 2/3, दैट मीन्स दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। देखा, अब ये जो ट्रिक है ये किसी भी रिएक्शन में लगा सकते हैं, तो बड़े से बड़ा रिएक्शन जिसमें ढेर सारे रिएजेंट होंगे वहां पर हम इसी तरह के ट्रिक लगा करके फटाफट निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो काम हमने किया ये सिर्फ ट्रिक है, इसका कोई दूसरा यूज मत करना, इसका कोई दूसरा यूज नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक है कैच करने की, ये कभी फेल नहीं करती है। आपको क्या करना है, मोल को डिवाइड कर देना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, वही बात पीछे जो है अंग्रेजी में लिखी हुई है, ये वाला जो टेबल है ना, ये जो पेज है इसी पे लिखी हुई है, ठीक है, इंग्लिश में। तो इसी बात को मैंने यहां पर फटाफट समझाया, आपको क्या करना है, मोल्स उठाने, गिवन मोल उसको डिवाइड करना किससे, कोएफिशिएंट से, जो छोटी वैल्यू आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट की होगी, बाकी सारी वैल्यूज एक्सेस रिएजेंट की, बाकी सारे एक्सेस रिएजेंट है लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा। तो शायद आपने ये बात कैच कर ली, अगर ऐसा है तो फटाफट एक बार आप बताओ मुझको, Fe2O3 और 6HCl वाला ही एग्जांपल मैंने यहां पर लिया और आपसे पूछा कि जरा मुझको फटाफट बताना तो कि गिवन मोल अगर मैं आपके सामने ऐसा रखता हूं, इसके रखता हूं 6 मोल्स और इसके रखता हूं 30 मोल्स, अब बताना लिमिटिंग रिएजेंट कौन कौन है, फटाफट अभी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अभी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं या जो गिवन मोल है उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 6/1 कितना आएगा, 6 आएगा, और यहां देखो 30 है, 30 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं कितना आएगा, 5, दैट मींस लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये HCl है, करेक्ट, डन है ना, कितने लोगों का आंसर आया, ये सही है, बढ़िया। अब इसमें एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, ट्विस्ट है ये, ट्विस्ट है कि Fe2O3 और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है 2FeCl3 और बनता है 3H2O। आपको बताना है कि इसके कितने मोल्स बने होंगे, तो जब कभी भी प्रोडक्ट का अमाउंट निकालेंगे ना दोस्तों, वो किससे निकलता है, हमारा बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट होता है, KFC लिखा जाए, आवर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इज ऑलवेज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट ही हमारा बेसिस ऑफ कैलकुलेशन होता है, तो सारा कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। किसी ने बोला क्यों, अरे बोलना एक बार क्यों, एक बार बोलो क्यों, क्यों होगा, हाँ देखो किसी ने बोला क्यों, बहुत कस करके बोला क्यों, अरे क्योंकि ये देखो ना बर्गर भूल गए, बर्गर खा गए लेकिन बर्गर का कॉन्सेप्ट भूल गए, ये देखो अनुदीप ने पूछा बदमाशी, यहां देखो तो जरा क्या बताया जा रहा था, लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, ये लेट्यूस था, तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनेगा ना, मैंने पहले ही सुन लिया था, पहले ही सुन लिया था क्यों, मैं जानता हूं, मैं बोलूंगा पूछूंगा पूछो क्यों तो आप बोलोगे पक्का क्यों, चैट बॉक्स में तो एक बार लिखा है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बार पूछा होगा, है ना, अच्छा जोक किया था, ओके कोई नहीं। तो प्यारे प्यारे दोस्तों जल्दी बताओ FeCl3 का अमाउंट क्या होगा, वो अमाउंट निकलेगा इससे लिमिटिंग रिएजेंट से, उसकी तरफ तिरछी नजरों से भी नहीं देखना है, अगर आंख है आलू नहीं है, कल रात आपके पास बहुत सारे आलू निकल रहे थे आंख नहीं निकल रही थी, याद है ना, पेरोक्साइड नहीं पहचान रहे थे आप, कल रात वाला सेशन देखा था ना, तिरछी नजरों से देखते हो आप लोग। देखो HCl के कितने मोल्स गिवन थे, 30, और यही लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा ये ट्रिक होती है, इसको तो भूल जाओ आप, इसका कोई यूज नहीं, मैं खास करके यहां पे काट करके छोड़ रहा हूं, डिलीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मिटाऊंगा अगर तो आपको ये बात याद नहीं रहेगी, मैंने काटा क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रिक होती है पहचानने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट, उसके आगे उसका कोई यूज नहीं करना है, लेकिन मुझे पता है तुम लोग इसी का यूज करते रहोगे, जो मना किया जाएगा वही करोगे, है ना बदमाशो। अब जरा चेक करो, आपको इसके अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट बनाना है FeCl3 का, तो HCl उठाओ, HCl के 6 मोल्स ऑफ HCl विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ FeCl3, ठीक है, बट गिवन मोल्स कितना है, ये तो हिसाब किताब है, गिवन कितना है 30, तो 30 से कितने बनेंगे बताओ, 2/6 × 30 कितने आ जाएंगे बताओ, क्या आंसर आ रहा है, देखो 4 लिखा आपने, मोहित विश्वकर्मा, वाओ मेरा नाम लेके आया बच्चा,
तो 2/3 इंटू 2/6 इंटू 30 दैट इज 10 मोल्स, 10 मोल्स FeCl3 के बनेंगे, करेक्ट है भाई साहब। अब जरा चेक कीजिए, अगर H2O के मोल्स निकालने हैं तो हम फिर से वैसे ही हिसाब करेंगे, बट उसका कोई यूज नहीं करेंगे, इसी का यूज करेंगे। फिर लिखेंगे 6 मोल्स ऑफ HCl विल गिव यू 3 मोल्स ऑफ H2O, ओके यूनिटरी मेथड। तो 30 मोल्स ऑफ HCl से कितना मिलेगा हमें, 3/6 × 30, दैट मीन्स के 15 मोल्स ऑफ H2O आ गया, करेक्ट आंसर है ना। अभी एक और बात बाकी आपको बताना है कि फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ये एक्सेस रिएजेंट था तो फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट ये कितना होगा। फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट ये निकालने के लिए पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कितने मोल्स बचे रह गए Fe2O3 के। ये कैसे पता लगाएंगे, ये पता लगाएंगे ऐसे, देखिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके रेस्पेक्ट में पहले पता लगाइए ये कितना आपको चाहिए था। तो 6 मोल HCl के लिए हमेशा आपको कितना चाहिए होता है Fe2O3, 1 Fe2O3 चाहिए होता है। तो 30 के लिए कितना चाहिए था बताइए जरा, 30 के लिए कितना चाहिए होगा, जल्दी फटाफट बताइए, 30 HCl के लिए कितना चाहिए होगा, 5 मोल्स ऑफ Fe2O3 चाहिए होगा ना, 5 मोल्स चाहिए था, 5 मोल्स चाहिए था, बट दिया कितना गया था 6 मोल्स, तो चाहिए था 5 यूज हो जाएगा, जो चाहिए था वो यूज हो जाएगा, तो बचा कितना रहेगा 1। तो 6 - 5 यानी कि 1 मोल Fe2O3 इज लेफ्ट, 1 मोल Fe2O3 इज लेफ्ट, बट निकालना ये नहीं था, 1 नहीं, फ्रैक्शन निकालना, और फ्रैक्शन का मतलब होता है जो बचा हुआ है, बचा कितना था 1 डिवाइडेड बाय जो शुरू में आपने लिया था। ये देखिए समझ रहे कितनी खूबसूरती से मैं हिंदी लिखता हूं, कितना अच्छा लगता है कभी कभी हिंदी लिखने में, बचा डिवाइडेड बाय जो शुरुआत में था, तो बचा कितना 1 और शुरुआत में कितना रखा था 6, तो फ्रैक्शन इज 1/6। नहीं आया ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मैं समझ गया, दिल तोड़ लो मेरा। जरा देखो वापस, Fe2O3 था और HCl था, इससे बना 2FeCl3 और बना 3H2O। चॉकलेट क्वेश्चन आएगा इस पे, इस केयरफुल रहना। अब मैंने दिए थे इसके 30 मोल्स और ये दिए थे 6 मोल्स, ठीक है। तो अभी हम इस पर कैलकुलेशन कर रहे थे, ये जो फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट है उसको सुन लो एक बार और, हम इधर ये सब तो क्लियर थे ना, इन सब की तो क्लैरिटी थी, बस इस पर आप अटक गए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, आपने ये काम तो पक्का आराम से कर लेना है। आप तो ये कह लोगे कि यार 6 मोल जो HCl है ना, उस 6 मोल ऑफ HCl की वजह से 6 मोल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड जब आपको 1 मोल Fe2O3 दिया जाएगा। तो 30 मोल ऑफ HCl के लिए, 30 मोल्स ऑफ HCl के लिए ये कितना चाहिए होगा, 1/6 × 30, दैट मीन्स कि 5 मोल्स ऑफ Fe2O3 इज रिक्वायर्ड, 5 मोल्स Fe2O3 रिक्वायर्ड है, मैं लिख दूं ऐसे रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड है 5 मोल्स, बट आपको दिया कितना गया है 6, तो गिवन था कितना 6, एंड रिक्वायर्ड जो होता है वही क्या होता है, कंज्यूम्ड होता है, कंज्यूम्ड मतलब रिएक्शन में जो खत्म हो गया, तो कंज्यूम्ड है कितना 5 और गिवन कितना था 6, कंज्यूम्ड यानी कि 6 में से कितना कंज्यूम हो गया 5, तो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग कितना है 6 - 5 मतलब कितना 1, ठीक है। अब फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट ये कैसे निकालते हैं, लेफ्ट अमाउंट या लेफ्ट मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट या इनिशियल मोल्स। सो फटाफट बताओ, तो लेफ्ट अमाउंट कितना है 1, इनिशियल अमाउंट कितना है 6, तो फ्रैक्शन कितना आएगा 1/6, करेक्ट, समझ गए ना। चलो आ जाओ अब आप बनाओ, और ये क्वेश्चन आपका चॉकलेट क्वेश्चन है 51 रुपीज के लिए, और ये इनाम आपको मिलेगा, अब अगर सही टाइम पे मैसेज नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। देखो ये आपको मिलेगा आज रात नहीं, कल सुबह 10:30 से 11:30 के बीच में आपको मैसेज करना है, जो भी लोग जीतेंगे है ना, और ये आपको मिल जाएगा, मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम आईडी सबको पता है बीस्ट केमिस्ट, तो शुरू हो जाइए। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से सुनिएगा। देखिए इक्वल वेट्स ऑफ, इक्वल वेट्स ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेड, आर रिएक्टेड टू फॉर्म
P2O5 एंड P2O3 इक्वल मोल्स नहीं है, इक्वल वेट है। WTS लिखने का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, वेट होता है, देख लेना, गड़बड़ मत कर देना। इसका मतलब क्या है, वेट, वेट मतलब केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही होता है। फिर फिजिक्स मत लगाना, फिजिक्स में फ्रिक्शनलेस पुल्ली भी होती है जो गलत बात है, समझ है ना, फिजिक्स वाले कुछ भी गिराते रहते हैं, इसीलिए समझ जाना। फिजिक्स में वेट का मतलब होता है यू नो दैट, कि अगर ऐसा है कि विनय सर अगर इस तरह से अगर हवा में उड़ रहे हैं सुपरमैन बन करके, अरे यार सुपरमैन वाला चोगा लगाना पड़ेगा रेड कलर का, तो रेड कलर का चोगा है, मान लो ऐसा चोगा लगा करके सर उड़े जा रहे हैं ठीक है, ऐसे उड़े जा रहे हैं, चश्मा लगा दो, चश्मा उड़ करके कहीं और चला जाएगा, ठीक है, चश्मा मान लो उड़ गया सर का चश्मा जो है वो उड़ करके कहीं और चला गया, ठीक है, सो सर तो उड़ ही जाएंगे क्योंकि सर तो सुपर हीरो है हमारे, तो वो तो उड़ ही जाएंगे, बट चश्मा उड़ने वाला नहीं है, चश्मा चिपका हुआ है, फेविकॉल से चिपकाया है, तो चश्मा नहीं उड़ेगा, जितने चश्मे से वहां पर, मैं भी चश्मे सी हूं वैसे, तो चश्मे से लोग समझते हो ना, चश्मे पे किसी दिन बहुत अच्छे से बातचीत करूंगा। तो क्या हो गया कि हमारे सुपर डुपर वैनेडियम, देखो भाई वी से वैनेडियम होता है, बता दूं, मैं विनय सर नहीं बोल रहा हूं, मैं वी से वैनेडियम होता है, तो मान लो वैनेडियम जो हमारा और वाइब्रेनियम भी होता है, तो हमारा सुपर हीरो इसी तरह से उड़ते जा रहा है, ठीक है, और उसके पास वेलोसिटी भी वी ही है, ओके, तो वो उड़ता चला जा रहा है। तो अगर आपको पता है कि वेट फिजिक्स वाले क्या कैसे निकालते हैं, वेट फिजिक्स वाले, वैसे तो आपको पता है एक सबसे बड़ी बात, अगर सच में वेट लिया जाएगा, मान लो यहां पर वेट मशीन है, और वेट जब भी लिया जाता है ना, हमारा जो सुपर हीरो है वी, तो वी जो सुपर हीरो है, जब कभी भी उसको वेट मशीन पर रखते हैं ना, तो वेट ऐसे दिखाता है वो, इसका मतलब होता है हमारी औकात से बाहर है, हम वेट नहीं बता सकते। प्लीज ये जो भी आपने जो पहाड़ रख दिया है उसको हटा लीजिए। तो वेट निकालना वैसे तो मुश्किल है, बट फिजिक्स वाले कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करके। अब जो लोग फिजिक्स ज्यादा दिल से पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, केमिस्ट्री में भी आकर के मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर देते हैं। भैया नहीं होता है, केमिस्ट्री वाले जो है उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मास से मतलब है। तो ये जो वेट लिखा गया है वो एक्चुअली क्या है, मास है, समझ रहे ना, मास है, और इस मास से आपको मोल निकालना पड़ेगा। मास से मोल कैसे निकालते हैं पता है ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यू नो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, उससे क्या बनता है, मोल्स बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इक्वल वेट्स ऑफ P4 एंड O2 आर रिएक्टेड टू फॉर्म P2O5 एंड P2O3, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, आइए फटाफट बताइए। तो पहला आंसर जीतने वाला है इनाम 51। ओ तेरी सच्ची, शुभम ने स्पैम मार दिया, अनुदीप ने स्पैम मार दिया, 3/4 3/4 सच्ची, हाँ ओके, आइए देखा जाए अगर सच्ची आपने अटेम्प्ट कर लिया तो इतनी देर में। बट आपको कैसे पता था कि मैं यही पूछने वाला हूं, सच्ची फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट ही पूछ रहा था मैं, नहीं गलत बात। आइए देखिए बनाने का तरीका क्या रहेगा, क्या हमारे पास ब्लैंक स्लाइड है, जी हाँ ब्लैंक स्लाइड है। आइए दोस्तों देखिए, P4 और O2 मिलकर के क्या क्या बना रहे हैं, P2O5 बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, P2O3 बना रहे हैं, ठीक है। सो रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लीजिए, देखिए तो अभी रिएक्शन बैलेंस्ड है, पता है क्या, पहले ना आपको, आप यहां पर चाहते तो एक डाउट भी पूछ सकते थे कि सर P2O5 और P2O3 कितने बने, जब नहीं बताया जाता है तो 1:1 मान लेते हैं, तो चूंकि बताया नहीं है, वैसे कई बार क्वेश्चन क्या करता है ना, ये भी बोल देता है, देखो क्वेश्चन ये भी बोल देता है, ये भी लिख देता है, जो प्रोडक्ट बनते हैं ना उनके बारे में लिख देता है इक्विमोलर मिक्सचर। मैं चाहता तो ये लिख सकता था, तो लिख देता तो थोड़ा और भी प्यारा बन जाता, आपके लिए आसान हो जाता, बट मैं चाहता था आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि इनाम रखा हुआ है मैंने, तो
मैं ये चाह रहा था कि आप ये बात समझो कि अगर आपको नहीं बताया गया है कि कितने मोल बनेंगे, दैट मीन्स वन मोल बनेंगे और दोनों के वन मोल बनेंगे। और इक्वी मोलर बोलने का मतलब, आप लोग तो अंग्रेज हो, आपको तो पता ही है कि इक्वी मोलर का मतलब क्या होता है, सेम मोल्स बनेंगे, सेम मोल्स बन रहे होंगे, मतलब वन मोल नहीं बोल सकते एक्चुअली, इसका मीनिंग क्या होता है। गुड गुड गुड, सेम मोल्स बन रहे होंगे। तो अगर मुझे सेम मोल्स बनाने होंगे, अगर मुझे सेम मोल्स बनाने होंगे तो P2O5 और P2O3 का मैंने 1:1 बनाया, तो 1:1 बनाएंगे, मतलब जैसे मैंने लिखा है वैसे बना दो, तो ये क्या हो गया, सेम मोल्स हो गए, सेम मोल्स बन रहे, इक्वी मोलर मिक्सचर बन रहा है, इक्वी मोलर, इक्वी मतलब सेम, मोलर मतलब के सेम मोल्स वाला। तो मैंने सेम मोल्स का एज्यूम कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब अगर इसका वेट डब्ल्यू तो इसका भी वेट डब्ल्यू मानना पड़ेगा। हाँ, मुझे लगा था ज्यादा नखरे करोगे छुई मुई। तो डब्ल्यू ग्राम वेट अगर मैंने फास्फोरस का माना तो डब्ल्यू ग्राम इसका भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इक्वल वेट्स, यानी इक्वल मास, ठीक है। तो डब्ल्यू ग्राम दोनों के, अच्छा अगर मास मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिख लिया तो मोल मैं कैसे निकालूंगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई, जितने लोगों को एटमिक मास नहीं याद है बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे आप, 31 होता है फास्फोरस का, तो अगर मोल्स निकालना है तो W डिवाइडेड बाई 124 होगा, 31 × 4 = 124, और ऑक्सीजन के लिए W डिवाइडेड बाई 32 होगा, ठीक है। अब पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो चुपके से कोने में गए और अपना जो कोएफिशिएंट से डिवाइड करने वाला फंडा था है ना, उसको लगाते हैं फॉस्फोरस के लिए, आगे कोएफिशिएंट कितना है 1, और जरा बताओ मोल्स कितने हैं, W बाई 124। तो निकालने के लिए कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, मोल को डिवाइड करते हैं कोएफिशिएंट से, ठीक है। तो W बाई 124 मोल है, उसको 1 से डिवाइड करो, तो P4 के लिए हम रफ कर लेते हैं, W बाई 124 उसके मोल्स हैं और कोएफिशिएंट कितना है 1, और O2 के लिए जो मोल्स हैं वो है W बाई 32 और जो कोएफिशिएंट है वो 4 है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, W बाई 124 और 32 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 128। अब जरा सोचो छोटी वैल्यू कौन सी है, दिस इज स्मॉलर वैल्यू, ये स्मॉलर वैल्यू है ना, तो दैट मीन्स के O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, देखो कितने लोगों का रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट O2 आया था ये बताओ पहले, कितने लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट O2 आया था। अगर O2 लिमिटिंग रिएजेंट तुम पहचान गए, अब तुम्हारे सारे कैलकुलेशन का बेसिस कौन बनेगा, O2, तुम्हारे सारे कैलकुलेशन का बेसिस कौन बनेगा, O2 बनेगा। तो अब O2 के रेस्पेक्ट में सारी बातें होंगी, अगर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, अरे वाह क्या बात है भाव्या, सच्ची अनन्य अनुदीप खुशी संतोष अरुषि सिमरन प्रजक्ता जैस्मिन सच्ची लव यू सो मच मेरे दोस्त, क्या बात है, अगर सच में आपने निकाल दिया तो। अब क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट पता लगा लेंगे कि कितना बचा है, तो फ्रैक्शन निकालना आसान हो जाएगा। फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस ये एक्सेस रिएजेंट बन गया क्योंकि वो है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट जो फास्फोरस है उसका निकालना था कि फ्रैक्शन कितना बचा रह जाएगा, तो उस एक्सेस रिएजेंट के लिए, उस एक्सेस रिएजेंट के लिए पहले बचे हुए मोल्स निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि 4 मोल्स O2 के लिए कितना फॉस्फोरस चाहिए, 1 मोल P4 चाहिए होता है, ठीक है, 4 मोल O2 के लिए। तो 1 मोल O2 के लिए कितना चाहिए होगा बताओ, 1 मोल O2 के लिए कितना चाहिए होगा, 1/4 मोल P4, करेक्ट है ना, बिल्कुल सही, 1/4 मोल P4। अब 1 मोल O2 ऐसा काम करेगा तो फिर W बाई कितने मोल्स गिवन है O2 के, ये गिवन मोल्स है, W बाई 32 मोल्स के लिए आपको कितना मोल P4 चाहिए, W/32 × 1/4 है ना, इधर जो भी वैल्यू है उसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक के लिए इतना है तो पांच के लिए कितना होगा, 5 गुना जो भी यहां पर वैल्यू है, W/32 है तो W/32 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, W/128 मोल्स ऑफ P4, इतने P4 की रिक्वायरमेंट है, दिस इज रिक्वायर्ड, लेकिन गिवन क्या है, दिस इज गिवन। तो अब इसे अगले पेज पे ढंग से लिख लेते हैं, क्या करेंगे, अगले पेज पे ढंग से लिख लेंगे, गिवन मोल्स P4 के, गिवन मोल्स P4 के कितने थे, W/124, और रिक्वायर्ड कितने हैं, रिक्वायर्ड मोल्स कितने हैं ऑफ P4, W/128। अब थोड़ा स्मार्टनेस देखो दोस्त का कैलकुलेशन,
आपका कैलकुलेशन एकदम बच्चों वाला होता है, थोड़ा प्रो लेवल पे आ जाओ, नूबड़ो जैसा नहीं करना है, नूबड़े कैलकुलेशन नहीं करना है, नूबड़े टाइप से कैलकुलेशन नहीं करना है, नूबड़े टाइप से कैलकुलेशन करेंगे फंस जाएंगे। देखो 124 को 31 इंटू 4 लिखा और W बाई 32 इंटू 4 लिख लिया, इसको एक्सपीरियंस करो, देखो बहुत आसानी से कैलकुलेशन होगा। रिक्वायर्ड मोल्स P4 के ये है और ये गिवन मोल्स है, तो रिमेनिंग मोल्स कितने होंगे बताओ। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कंज्यूम्ड, कितने कंज्यूम्ड है, तो ये कंज्यूम्ड अमाउंट है, ठीक है, ये कंज्यूम्ड अमाउंट है, तो रिमेनिंग अमाउंट बताओ कितने होंगे। रिमेनिंग मोल्स ऑफ P4, मोल्स ऑफ P4 बताओ, रिमेनिंग मोल्स ऑफ P4 कितने होंगे, जो गिवन था W बाई 31 इंटू 4 माइनस W बाई 32 इंटू 4, देख रहे हो, यहां से LCM निकालो, 31 इंटू 32 इंटू 4 है ना, यहां पर 31 इंटू 4 है, 32 नहीं है तो ऊपर 32 आ जाएगा, 32W, और यहां पे कौन गायब है, 31, तो यहां पर क्या जाएगा, 31W, दैट मींस जो वैल्यू आ रही है बची हुई वो है W बाई 31 इंटू 32 इंटू 4, दिस इज द अमाउंट ऑफ P4 लेफ्ट, लेफ्ट अमाउंट ऑफ P4 है ना, ये लेफ्ट मोल्स है P4 के। अब फ्रैक्शन कैसे निकालते थे बताओ, फ्रैक्शन निकालने के लिए अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, फ्रैक्शन निकालते हैं, लेफ्ट जो अमाउंट होता है डिवाइडेड बाई जो इनिशियल अमाउंट होता है, ठीक है। अब जरा फटाफट आप वैल्यू बताओ, लेफ्ट अमाउंट कितना है उसको डिवाइड करो, लेफ्ट अमाउंट है W डिवाइडेड बाई कितना, 31 इंटू 32 इंटू 4 डिवाइडेड बाई इनिशियल अमाउंट कितना था, ये वाला W बाई 31 इंटू 4। अब जरा चेक करो कौन कौन कैंसिल आउट हो जाएगा, W 44 31 31, बचा क्या, 1 बाई 32। देखा, जितने लोगों को नहीं पता चला इधर लिख दें, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ये कैसे निकलेगा, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई क्या, जो उम्र 155 की हरकतें बचपन की, ओफ ओ नजर लगाई किसी ने, अरे लिखना है लेफ्ट अमाउंट जी, लेफ्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट है ना, अरे बोलो 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 ना बोलो ना, तो लेफ्ट अमाउंट कितना था, W बाई 31 इंटू 32 इंटू 4, और इनिशियल अमाउंट कितना था, W बाई 31 इंटू 4, सब कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन, 32, तो करेक्ट आंसर इज 1 बाई 32। अब आपसे कहां कहां पे गलती हुई थी मैं बताऊं, सबसे पहली गलती आपकी हुई थी पता है कहां पर, आपने W माना ही नहीं होगा, इक्वल वेट दिया गया था, रिएक्शन लिखा ही नहीं होगा, दो गलतियां, रिएक्शन लिखने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पहचाना होगा, तीन गलतियां। जितने लोगों ने अगर ये तीन गलती नहीं की मेरी नजर में, उनको 100% स्कोर मिलना चाहिए, इनाम बस नहीं मिलेगा क्योंकि इनाम तो मिलेगा जब तक आंसर 1 बाई 32 नहीं आ जाता, तो 1 बाई 32 नहीं आया था, बट कोई बात नहीं, अगर आपने शुरू के तीन स्टेप सही किए थे, बताओ मुझको आपने क्या रिएक्शन ढंग से सोच लिया था, क्या आपने W ग्राम मान लिया था, और क्या आपने लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया था। जितने लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट तक काम कर लिया है, अब वो जो इसी तरह का मैं क्वेश्चन दूंगा वो आप पक्का बना दोगे। गलत हो गया कोई बात नहीं, जरा इसको ट्राई करो, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इफ इक्वल वेट्स, अगर तुमने मेरे दोस्तों अगर तुमने ये क्वेश्चन बना दिया तो भले ही तुमको 51 नहीं मिलेगा लेकिन प्यार उतना ही मिलेगा, नहीं बनाओगे तो फिर कट्टी दोस्ती नहीं। तो इक्वल वेट्स ऑफ N2 एंड O2 रिएक्ट टू फॉर्म NO, नो ये मेरा फेवरेट मॉलिक्यूल है, ये मेरा फेवरेट मॉलिक्यूल है, क्यों, क्योंकि इसके नाम में आता है, इसके इसका मीनिंग होता है ना, ना मैं नहीं मानने वाला ना, तो नो, इफ इक्वल वेट्स ऑफ N2 एंड O2 रिएक्ट टू फॉर्म NO, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, क्या रिएक्शन लिखने में कोई दिक्कत होगी क्या दोस्तों, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, जिनको भी रिएक्शन में ट्रबल होगी फटाफट रिएक्शन देखो, N2 प्लस O2 से बनता है 2NO, अब तो पूरा बना दोगे एग्जैक्टली, जरा आंसर निकाल के दिखाओ, अगर तुम अभी भी निकाल दोगे बना दोगे, दैट मीन्स लव यू सो मच, आपको मिलने वाला है सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, फटाफट बता दो। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, WW मान करके काम करना है, WWE खेलना है, तो WWE खेल दो फटाफट, WWE खेल दो फटाफट। थैंक यू शिवम, लव यू सो मच मेरा दोस्त, क्या बात है, क्या बात है, W ग्राम माना, वेट
डब्ल्यू ग्राम माना वेट, मोल निकाल दिए डब्ल्यू बाई 28, डब्ल्यू बाई 32, ठीक है। अब जरा बताओ इसके एक मोल के लिए ये एक मोल चाहिए था, चाहिए था लेकिन है तो नहीं। इसके W by 28 मोल के लिए यहां भी W by 28 चाहिए था लेकिन है W by 38। तो ये बड़ी वैल्यू है, W by 28 है, और ये W by 32 छोटी वैल्यू है। दैट मींस कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ज्यादा वैल्यू के लिए छोटी वैल्यू, लिमिटिंग रिएजेंट, कुछ और का नहीं। ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन था, 1:1। मुझे कोएफिशिएंट से डिवाइड करके देखने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इतना इजी है। इसके 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो इसके W by 28 के लिए W by 28 चाहिए था, बट उससे छोटी वैल्यू दी गई है W by 32, दैट मींस O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अगर O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो अब लिमिटिंग रिएजेंट इज द बेसिस ऑफ ऑल कैलकुलेशन, बेसिस ऑफ ऑल कैलकुलेशन, डन, बेसिस ऑफ ऑल कैलकुलेशन, बेसिस ऑफ ऑल कैलकुलेशन। तो अब हम O2 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन, ये क्या है विनय सर, ये विनय सर का पेज यहां पर कैसे आ गया, फिजिक्स वाले पेज कैसे आ गए? और मैं सोचता था कि भाई साहब सच में, ये तो मुझे लगता था एचसी वर्मा में तो गलत क्वेश्चन दिया हुआ, एक बंदर दूसरे बंदर का पूछ कैसे पकड़ेगा, लेकिन भैया सच में ऐसा है, ये विनय सर का स्लाइड कैसे आ गया यहां पर अचानक से? वही मैं सोच रहा हूं, ये विनय सर ने कुछ किया बदमाशी, फोन लगाना पड़ेगा, ये कैसे हो गया अचानक से? भाई साहब यहां ना कैंची से काट देने का इसका, बदमाश कहीं का, तुमसे लटका नहीं जा रहा, उसके पूछ में क्यों लटक रहे हो भाई? तुम्हारा पूंछ जो है वो डिटैच होने वाला है, पूंछ का ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, निकलने वाला है पूंछ तुम्हारा सही जगह से, इनको देख लीजिए। ये तो लग रहा है जैसे कि उसकी फोटो खींची जा रही है, सामने ही देख रहा है। एचसी वर्मा का भी क्वेश्चन अलग ही लेवल का है, अद्दी है भाई। हाँ साजिश है ये, पूरी पूरा मुझे समझ में आ रहा है, ये साजिश है। देखो ना मेरा लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन गायब करके, लिमिटिंग रिएजेंट के बाद का पेज था, दूसरा पेज लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज बेसिस ऑफ ऑल कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन, तो 1 मोल O2, इसके लिए चाहिए 1 मोल N2। तो W by 32 O2 के लिए W by 32 क्या चाहिए, N2 चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, W by 32 रिक्वायर्ड है। तो अगर W by 32 रिक्वायर्ड है दोस्तों, तो कितना N2 बच जाएगा ये पता करना है। पेज ऐड कर दे यहां पर फटाफट, अरे फटाफट पेज ऐड करो यारो, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म करना है, फटाफट पेज ऐड करो यारो, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म करना है, है है है। ये देखो तो W by 32 moles O2 के लिए कितना requirement है W by 32 moles N2 का, ठीक है, लेकिन required यानी consumed amount, required या consumed O2, ये नजर लगाते रहो तुम लोग, बस बदमाश लोग नजर बहुत लगाते हो। Required और consumed N2, ये कितना है W by 32, और given amount कितना है, given amount of N2 ये है W by 28। अब फिर हम लोग स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट, इसे लिखेंगे 8 × 4, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ हाँ ठीक है, और इसे लिखेंगे 7 × 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग और लेफ्ट अमाउंट किसका ऑफ N2, ये कितना आएगा बताओ फटाफट, ये W by 7 × 4 माइनस W by 8 × 4, नीचे LCM आएगा 7 × 8 × 4, यहां पर आएगा 8W माइनस आएगा 7W, वैल्यू आएगी W by 7 × 8 × 4, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन लेफ्ट, उसके लिए क्या करते हैं, जो लेफ्ट वैल्यू है W by 7 × 8 × 4
उसको डिवाइड करेंगे इनिशियल वैल्यू से, तो इनिशियल वैल्यू N2 की कितनी थी, W by 28, W by 28 का मतलब क्या होता है, W by 7 into 4, अब इसमें से क्या क्या कट जाएगा, W 7, 4, 7, W 4, बचा क्या 1 by 8, कितना है 1 by 8 है क्या, दिख नहीं रहा मुझको, 1 by 8 ही है क्या, अच्छा देखो तो मेरी आंखें, मेरी खूबसूरत आंखें कैमरे में कैसे आती हैं, मुझे एक बार रिकॉर्डिंग में देखना है, 1/8, हाँ मुझे समझ में आ गया था, मैं एक बार लिखूंगा उसके बाद फिर आप जो है फिर वही कॉपी करोगे, यही हो गया, 1/8 लिखा नहीं कि अब सब 1/8 लिख रहे हैं, कॉपी पेस्ट करना सीख लिया तुम लोगों ने, बस बस मेरा सारा स्टाइल जो है वो चेक कर लो, अब देखो किसी ने पकड़ लिया मेरे सफ़ेद बाल, बात नहीं कर रहा मैं उससे, देख लिया था तो बोलना जरूरी है, शर्म किंग के, हाँ ये फर्स्ट से यही आंसर है सच में, यस शिवम मोर देन सफिशिएंट, कुछ कुछ जगह पे तो टफ, कौन बार बार लिख रहा सफेद बाल, श्राप लगेगा, कॉपी करने को कहा तुम बदमाशों, कॉपी करते जाओ तुम लोग, हट, ये तुम्हारा होमवर्क है लिमिटिंग रीजन का, इसका आंसर जो है आप जस्ट कमेंट सेक्शन में फटाफट डाल देंगे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, सॉरी एक्सेस उमर एक बचपन की हमें बचपन की, हाँ फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट, अब पीओएसी पे चलते हैं, लेफ्ट व्हेन इक्वल वेट्स ऑफ कॉपर एंड HNO3 रिएक्ट, और वो रिएक्शन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है 3Cu प्लस 8HNO3, इससे बन रहा है 3CuNO3 होल 2 प्लस 2NO प्लस 4H2O, ठीक है, इसमें एक और बात ऐड कर दे रहा हूं, ऑल्सो कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर्म्ड, सारे प्रोडक्ट जो बनेंगे उनका मोल्स भी बताना है, ओके, और अपने चैनल पर मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, और फिर बंदरू आ गया, ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो, हम चलते हैं फिर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की तरफ, बड़ा मजेदार है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन भी, बहुत मजेदार जैसे लिमिटिंग रिएजेंट था, बट हाँ पता है क्या, आपको मैंने लिमिटिंग रिएजेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए, मतलब वैसे तो टुच्चे क्वेश्चन बहुत आसान होता है लिमिटिंग रिएजेंट के, लिमिटिंग रिएजेंट की ट्रिक जिसको पता होती है कि मोल्स को, गिवन मोल्स को डिवाइड करना होता है इनिशियल मोल से, सॉरी कोएफिशिएंट से, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, बस उसके बाद तो फटाफट सारे लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकाल देते हैं, बट फंसते कहाँ पर है, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट निकालने में, तो फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट करा दिया, अब आपके लिए एक होमवर्क छोड़ा जिसमें मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी बनाने हैं, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वाला आप ट्राई करोगे, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज, और सॉल्यूशन डाल, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन रखना क्योंकि मैं उस पर बहुत सारी चीजें अच्छी डालने वाला हूं, और आगे वो आपको हेल्प करेगा केवीपीवाई के प्रिपरेशन में भी, और अगर आप आगे देने वाले हो कोई भी एग्जाम रिलेटेड टू ओलंपियाड या केवीपीवाई से रिलेटेड कोई भी स्टेज होगा, सब में हेल्प मिलेगी, तो चैनल पर रहना, मटेरियल उसी पर डालने वाले हैं, और क्वेश्चंस के आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के ना, यहाँ जो आप यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस आप जो देख रहे हो, जो छोड़ रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, या बीच बीच में जो अच्छे क्वेश्चन देंगे या डीबीपी के अच्छे क्वेश्चन, उसको वीडियो सॉल्यूशन के रूप में डालेंगे, ओके, अच्छे पॉइंट्स, चलो तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम O2 इन अ क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, सी आंसर तो ए है मेरे मुन्ना, 2 mg प्लस O2, शायद रिएक्शन में कोई गड़बड़ी कर गए क्या, रिएक्शन में गड़बड़ मत करना, बेसिक सा रिएक्शन ये है, अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे ना mg प्लस हाफ O2 से MgO, तब भी पर काम बन जाएगा, तब भी पर आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं आएगा, तो मैग्नीशियम के 48 ग्राम के लिए
O2 कितना चाहिए होता है 32 ग्राम। इस बात का यूज करके यहां पर ना ये जो वैल्यूज दी गई थी, 1 ग्राम मैग्नीशियम गिवन है, देखो गिवन है 1 ग्राम और O2 गिवन कितना है 0.56 ग्राम। तो पहले आप मैग्नीशियम का मोल निकाल लो यार, मैग्नीशियम का मोल कितना 1/24। हम मोल के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं और मास के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। और O2 के लिए कितना है 0.56 डिवाइडेड बाई 32, 32 से कर दो इसको 7/4, 7 × 10^-2, ये इसके मोल्स है O2 के। ओके, अब आप मोल के टर्म्स में बना सकते हो, मास के टर्म्स में भी जा सकते हो। अगर बैलेंस रिएक्शन से चलोगे तो बैलेंस रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि 48 ग्राम O2 के लिए 32 ग्राम, 48 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 32 ग्राम O2 चाहिए। अगर उल्टा चले तो आप बोल सकते हो 32 ग्राम O2 के लिए 48 ग्राम Mg चाहिए। बट मोल्स के टर्म्स में भी बातें कर सकते हो, आप कह सकते हो 2 मोल Mg के लिए 1 मोल क्या चाहिए, O2 चाहिए। तो अगर आपको 1/24 मोल्स दिए गए, अगर Mg 2 Mg प्लस O2 है ना, अगर इस रिएक्शन पर काम कर रहे हैं हम लोग, तो इसके 2 मोल के लिए ये चाहिए 1 मोल। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था, रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, हाउ मच, कितना बचेगा, तो ये 1 मोल था, हाफ यानी 1/24, इसका हाफ कितना होता 1/48, और यहां कितना आ रहा है 7/400। ओह जरा चेक करना, तो 1/48 और 7/400 कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा। यहां पर 1/100 का मतलब होता है 0.01 है ना, तो 7/4 को 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे 0.07/4 आएगा, ये वैल्यू है 0.07/4, जिसका मतलब है कि ये 0.0175 आने वाला है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1/50 के आसपास है, 1/50 का मतलब होता है 0.02। तो जरा देखो, तो वो वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू क्या है, मतलब साफ पता चल रहा है कि आप जो कैलकुलेशन करेंगे मोल के टर्म्स में या फिर जो कैलकुलेशन आप करेंगे मास के टर्म्स में, दोनों से आप आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा है कि यहाँ पे सॉल्यूशन जो एक जो है मास के टर्म्स में दिया हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी कैलकुलेशन किए सब के सब मोल के टर्म्स में किए थे, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नीड्स O2 कितना, ये यूनिटरी मेथड से निकाला, ये जो हिसाब किताब है वो परफेक्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंगली है, लेकिन अब जो गिवन अमाउंट है वो गिवन अमाउंट के हिसाब से नीचे में हमने हिसाब किताब किया हुआ है। तो पता चल रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम लोगे तो 0.667 ग्राम O2 चाहिए होगा, है ना, विच इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा, कितना ग्राम प्रेजेंट है O2 का, 0.56 ग्राम, दैट मींस O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। और फिर सारा हिसाब किताब किसके रेस्पेक्ट में करना है, O2 के रेस्पेक्ट में, है ना। तो Mg इज एक्चुअली क्या, एक्सेस रिएजेंट। और अब आप उल्टा चलोगे और आप कहोगे कि 0.67 ग्राम O2, इसके लिए कितना मैग्नीशियम चाहिए, 1 ग्राम मैग्नीशियम। तो 0.56 के लिए कितना चाहिए, वो 0.84 आ जाएगा। 0.84 कंज्यूम्ड आ गया, स्टार्टिंग में कितना था 1 ग्राम, तो 1 - 0.84 इज 0.16, है ना। क्लास खत्म क्यों, अच्छा वीआईपी दिख गया तो क्लास खत्म नहीं, ये रिकॉल कराने के लिए है कि आप में से जितने दोस्त कंफ्यूज्ड और परेशान हैं कि वी प्रो लेना है नहीं लेना है, यार अभी नहीं लेंगे थोड़ा बाद में लेंगे, एग्जाम्स वगैरह की क्लैरिटी आ जाए या कुछ आगे सिचुएशन बने कोविड की, तब तो मेरे दोस्त ये कन्फ्यूज़न मत रखो, अभी सबसे अच्छा मौका है, ये ऑफर चल रहा है, बाद में ये ऑफर नहीं रहेगा तो मिस कर जाओगे आप। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम लेने के लिए, ये रिकॉल करने के लिए। क्लास खत्म, वाह अभी पी ओ एस सी हुआ नहीं है, क्लास खत्म बदमाश हो। एक और क्वेश्चन है लेकिन ठीक उसी पैटर्न का है, तो मैं जो यहाँ पर रुक नहीं रहा, ये आपके होमवर्क के लिए डाल रहा हूँ, ये पहले से डिसाइडेड था भाई कि ये होमवर्क में जाएगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, वैसे ही वेट में है, वैसे ही बना लेना आप, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर 1 ग्राम कार्बोनेट दिया है M2CO3 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस HCl, कोई कार्बोनेट है जो कि रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, HCl का अमाउंट एक्सेस है, पहले ही बता दिया कि ये एक्सेस रिएजेंट है। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा, देखते हैं क्या फायदा होगा। बताया गया कि यहाँ से CO2 निकलता है, अच्छा CO2 गैस निकली है बाहर, बहुत अच्छे, द मोलर मास ऑफ M2CO3, तो M2CO3 का मोलर मास बताओ, क्वेश्चन ही डिफरेंट है, वाह मजा आएगा। कैसे बनाएंगे भाई, क्या रिएक्शन को बैलेंस करें, आप रिएक्शन को चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। आपको वैसे पता नहीं है, अगर आपको पता नहीं है
कि इस M की वैलेंसी क्या है तो फॉर्मूले से पता चल रहा है। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, बचपन से पढ़ते आए हो आप, दो होता है। कार्बोनेट पर चार्जेस कितने होते हैं, माइनस टू का चार्ज होता है ना, माइनस टू का चार्ज होता है। तो दैट मीन्स कि इस मेटल पर कितने का चार्ज होगा, प्लस वन का। कल ही हम बना रहे थे, याद है कल ही हम जो चार्ज वगैरह को बैलेंस करके काम कर रहे थे। तो जो एम है उसकी क्वांटिटी कितनी है, दो एटम है इसके, तो यहां से टोटल चार्ज कितना आ रहा होगा, प्लस टू। और कार्बोनेट पर टोटल चार्ज कितना होता, माइनस टू, वैलेंसी दो होती है। तभी तो वैलेंसी को क्रॉस करके लिखते हैं ना, कार्बोनेट की वैलेंसी टू तो मेटल की वैलेंसी पक्का कितनी होगी, वन। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लिखते तो यहां पर कहीं पर भी टू नहीं लगाते हो, क्यों, क्योंकि कार्बोनेट की भी वैलेंसी टू होती है और कैल्शियम की भी वैलेंसी टू होती है, तो दोनों टू और टू को हम कॉमन निकाल लेते हैं और ये बचता है। लेकिन भाई सोडियम की वैलेंसी वन होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी टू होती है, तो आपको सोडियम के नीचे टू लगाना होता है, सो दैट चार्ज बैलेंस हो जाए। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो M2CO3 फॉर्मूला लिखा गया है उसका मीनिंग ये है कि वहां पर पक्का जो मेटल एम है वो एल्केली मेटल होगा, श्योर। कोई मेटल हो सकता है, सोडियम पोटेशियम कुछ होगा, बट वो है तो एल्केली मेटल, श्योर। तो एल्केली मेटल मानते हुए अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो यहां पर ना 2HCl लगाना होगा। वैसे यही एक्सेस रिएजेंट है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है, बट क्वेश्चन एग्जैक्टली लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं है, उसने पहले ही बता दिया कि HCl इज एक्सेस, तो हमें HCl के बारे में नहीं सोचना है। तो फिर क्या सोचना है, जो प्रोडक्ट बनेंगे पहले उनको लिख लेते हैं। 2MCl बनेगा और हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन भी बच रहा है यहां से। रिएक्शन तो हमने पूरा लिख दिया, रिएक्शन लिख के फायदा क्या हुआ, अभी पता चल जाएगा क्या फायदा है। 1 ग्राम कार्बोनेट दिया गया था, दैट मीन्स इसके मोल्स पता है मुझको, गिवन मोल्स कितने हैं इसके, 1 डिवाइडेड बाई इस पूरे का मोलर मास तो हमसे पूछा गया है, उस मोलर मास को मैंने एम मान लिया। सुनना ध्यान से, M2CO3 का मोलर मास यहां पूछा गया है और उसी को कैपिटल एम माना मैंने, कैपिटल एम से तो वही होता है बंदर, चलो एम से मोहित होता है। तो 1 ग्राम ऑफ अ कार्बोनेट, 1 ग्राम जो कार्बोनेट है उसका मोल निकाल लिया। मोल इसलिए निकाला क्योंकि कभी भी आपको, जब कभी भी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हो दोस्तों, सारा काम मोल के टर्म्स में करने की कोशिश करनी है। और अगर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब ये कि हमें पूरी तरह से फोकस करना है मोल के टर्म्स में। वैसे मास के टर्म्स में भी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन बनाया था, लेकिन मोल के टर्म्स में ये जो क्वेश्चन बना रहे थे, या ये वाला क्वेश्चन जो था, है ना, ये मास के टर्म्स में बना दिया था, क्योंकि यूनिटरी मेथड पर हम कैसे भी काम कर सकते हैं, मोल के टर्म्स में भी कर सकते हैं, मास के टर्म्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मोल के टर्म्स में ज्यादातर समय काम आसान होता है। तो हमेशा फोकस करें कि मोल पे काम करें तो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने फटाफट देखा कि यार निकालना है मुझे कैपिटल एम, तो कैपिटल एम को फंसा लूं मैं जल्दी से जल्दी। 1 ग्राम कार्बोनेट था, कार्बोनेट के 1 मोल के लिए 2 मोल HCl चाहिए होता है, बट HCl है एक्सेस में, तो HCl की चिंता नहीं। बस मुझे ये देखना है CO2 कितना बना था, MCl कितना बना था। क्वेश्चन ने डेटा दिया हुआ CO2 का, तो फोकस CO2 पे करेंगे, इन दोनों पे फोकस करने का कोई फायदा नहीं है, है ना। जिन पे फोकस करने का कोई फायदा नहीं है उनको मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ, या ऐसा करते हैं जिस पे फोकस करके फायदा उसी को रेड कर देते हैं, ठीक है। इस पे फोकस करके फायदा, इसका डेटा दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, कहेंगे अगर M2CO3 का 1 मोल लिया होता तो CO2 कितना बनता है इस बैलेंस रिएक्शन से, 1 मोल, सही। अगर इसका 1 मोल लोगे तो CO2 कितना बनेगा, 1 मोल। लेकिन CO2 बना कितना है, इतना मोल, मतलब जितना मोल कार्बोनेट उतना CO2 बनना चाहिए, या उल्टा जितना CO2 बना उतना ही मोल क्या रहा होगा, कार्बोनेट। दैट मीन्स जो मोल मैंने यहां पे लिखा है उस मोल को फटाफट मैं बराबर कर दूं 0.01186 से, और अब मैं M की वैल्यू निकाल दूं 1 / 0.01186, खत्म। इसी को सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा, डन, कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं। देखा, ऐसे चुटकी में बस रिएक्शन लिखा, मीनिंग को समझा, फटाफट बना दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आप थोड़े और बना लो मेरे साथ, CO2 तब POC बहुत आसानी से समझ में आएगी। CO2 रिएक्शन में साफ दिख रहा था 1 मोल कार्बोनेट से 1 मोल CO2 है, उल्टा चले हम, हमने कहा 1 मोल CO2 मतलब 1 मोल कार्बोनेट, अगर ये मोल दिया गया है तो यही मोल कार्बोनेट का होगा क्योंकि दोनों के मोल सेम होते हैं रिएक्शन में। बस इसके बाद क्या है, CO2 के मोल्स उठाए और 1/m के बराबर कर दिया, क्योंकि 1 ग्राम मास था और m इसका कैपिटल मोलर मास है, मास डिवाइडेड बाय गिवन मास बाय मोलर मास क्या देता है, मोल्स देता है, बस मोल को बराबर कर दिया इसके, टना टन, खत्म।
आंसर आपके सामने दिख रहा है 84.3, सॉल्यूशन आपको बताया हुआ है, वही काम आपको करना है जो आपके दोस्त ने आपको सिखाया, बस टनाटन बन जाएगा। ओ माय गॉड, कहीं कैलकुलेशन देख करके ऐसी तो हालत नहीं बन गई आपकी? ये मीम डेडिकेटेड टू उन लोगों को है जिनकी हालत ऐसी हो गई है, भाई साहब इतना करना पड़ेगा, इतना मेरे दोस्त कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा आईक्यू लगाना है, कैलकुलेशन तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। जरा सोचिए तो क्या ही था क्वेश्चन में, 1 मोल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, CO2 बना, इसी CO2 पे फोकस करना है, साथ में H2O भी बना था लेकिन कोई फायदा नहीं भाई, CO2 का 1 मोल बराबर होगा किसके, 1 मोल M2CO3 के, बस खत्म है कहानी, है ना? क्या ही जरूरत है, 0.0186 अगर ये है तो ये भी कितना होगा, 0.01186 मोल्स पता चल गए M2CO3 के, और यही मोल किसके बराबर थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 1/m बराबर हो गया। करने की बात है, एक्सपीरियंस करने के बाद अब देखो कुछ भी नहीं होता है, इसको सॉल्व किया यही आपका 84.3 या जो भी आ रहा था 83.4 आ रहा था शायद, वही आंसर हो गया, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ जो डर है वो डर आपका दुश्मन है, कैलकुलेशन तो टुच्चे होते हैं, सिर्फ आईक्यू लगाना होता है, और वही यूनिटरी मेथड से काम हो जाएगा, या तो फॉर्मूले से काम हो जाएगा या यूनिटरी मेथड से। रिएक्शन का बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना है कि रिएक्शन को देख करके हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, जो बचा हुआ अमाउंट है वो लिख लिया और कन्फर्म हो गया कि अच्छा CO2 के लिए कितने मोल्स आएंगे, 1 मोल्स आएंगे, बस बात बन गई। ओके, ये तो रोड मैप है, ये तो बताया हुआ है कि चार्ट कि किस तरह से आप मास से अगर मोल पर आना चाहते हैं तो मास को डिवाइड कर दो, डिवाइड का निशान है, मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से, मोल में आ जाओगे। पार्टिकल्स का नंबर दिया हुआ, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मोल्स में आ जाओगे। ये STP NTP अभी आपको नहीं बताया है, तो STP NTP आगे आने वाला है, STP एंड NTP नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, वैसे ये स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस स्टेट में पढ़ते हैं बट इसको बताएंगे अगले क्लास में। और भैया अगर मोल से मास में जाना है तो बस इसी फॉर्मूले का उल्टा कर दीजिए, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको गिवन मास मिल जाएगा, है ना? मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, और वैसे ही मोल्स को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम एट STP मिल जाता है। STP NTP आपको अगले क्लास में बताना है, अभी फोकस मत कीजिए उन पर, ठीक है? ये स्टोइकोमेट्री का मतलब होता है, स्टोकियन और मेट्रॉन, एक्चुअली अब इसका मतलब होता है, स्टोइकोमेट्री का मतलब कैसा भी कैलकुलेशन, ओके? और इस तरह की चीज हमने अगले पिछले क्लास में की थी कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिया जाए तो मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर आप बता सकते हैं कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने एटम पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका कितना मास पार्टिसिपेट करेगा। कोई मुझे बताएगा ये एक्चुअल एटमिक मास है या फिर रिलेटिव एटमिक मास है, कोई बता दे फटाफट। जब कभी भी रिलेटिव एटमिक मास होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो अगर आपने आगे में यू लगा दिया मतलब अब आप एक्चुअल एटमिक मास निकालने जा रहे हैं, यू की वैल्यू पुट करेंगे आंसर ग्राम में आएगा और वो एक्चुअल एटमिक मास हो जाएगा। यू लगाने का मतलब है कि अब आप कन्वर्ट कर रहे हैं रिलेटिव एटमिक मास को किस में, एक्चुअल एटमिक मास में। यहां पर थोड़ी सी बात कर ले, ये हर दिन एक ही मैं तीन ऑप्शन देता हूं, पूछता हूं, सबसे अच्छा सबसे बड़ा हथियार अपने प्रो सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने पे आपके हाथ क्या लगता है, माइक्रो कोर्सेस, बट आपका लॉन्ग टर्म बैच और जो करिकुलम में जो डिसिप्लिन है, जो स्ट्रक्चर है, वो सब इंपॉर्टेंट है, बट प्रो का सबसे बड़ा हथियार है आपका माइक्रो कोर्स। हर टॉपिक जो आपका वीक हो जाता है, ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आपको बार बार टीचर से पूछना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, दूसरे बैच में जाके क्लास करना पड़ता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप चुपचाप देख लोगे कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, जिस टीचर की क्लास पसंद आती है उसके क्लास में चले जाओ, हो गया टॉपिक अच्छा, और वो चाहे कितनी बार भी करना पड़े, ऐसा नहीं कि एक बार आपने किया दो बार किया फिर आगे नहीं कर सकते, जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं। तो स्टोइकोमेट्री वाले सेक्शन में अब हम कर रहे हैं POSC, तो POSC को सुनो ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को, बहुत इजी है ये, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो टफ हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, बैलेंसिंग सीखी है ना पहले जिंदगी में, जो बैलेंसिंग आपने सीखी है वैसे वो बहुत ईजी है, बट जो 11th क्लास में जो बैलेंसिंग आगे सीखनी है रेडॉक्स रिएक्शन में, वो खतरनाक है वो टफ टफ रिएक्शंस के लिए होती है, आपने जो सीखा है वो तो टुच्चे के लिए होती है, वो देख करके हो जाता है हिट एंड ट्रायल से, नहीं नहीं
बट यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है ना, वो एक्चुअली बैलेंसिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो कंजर्वेशन वर्ड जब भी आता है तो हमारे माइंड में ये बात आती है, और कंजर्वेशन बोला है मतलब क्या है, कंजर्वेशन मतलब जो इनिशियली था वही फाइनली है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन बताता क्या है, पहले तो इसका शॉर्ट फॉर्म है POAC। इसका यूज पहले समझो, यूज्ड इन केसेस वेयर, ये कब यूजफुल है तो आपको इसका एप्लीकेशन सही से समझ में आएगा। तो ट्रिक क्या है इसको सीखने की, कि पहले इसका यूज समझो। यूज्ड इन केसेस वेयर रिएक्शन कांट बी बैलेंस्ड, रिएक्शन कांट बी बैलेंस्ड, ऐसे केसेस में यूज होता है जहां रिएक्शन को बैलेंस करना इम्पॉसिबल है। आप बोलोगे कैसे इंपॉसिबल है, अच्छा चलो मैं तुमसे पूछ देता हूं, जरा इस रिएक्शन को बैलेंस करो दो। जरा बैलेंस करना इस रिएक्शन को, आप बैलेंस कर ही नहीं सकते। क्यों, आपको पता ही नहीं कि रिएक्टेंट कौन कौन सा है, क्योंकि इधर रिएक्टेंट में कहीं ना कहीं तो आयरन रहा होगा, साइनाइड रहा होगा, लेकिन है ही नहीं आप। और देखिए प्रोडक्ट साइड में कार्बन कहां चला गया, क्या कार्बन यहां चला गया, ठीक है तो फिर ऑक्सीजन कहां गया, दैट मींस रिएक्शन को आधा अधूरा दिया गया है, रिएक्शन पूरा ही नहीं दिया गया, तो बैलेंसिंग कहां से हो जाएगा। तुम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि यहां पर क्या होगा और यहां पर क्या होगा, प्रिडिक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस जहां पर इम्पॉसिबल है रिएक्शन को बैलेंस करना, वैसी जगह पर POAC बहुत हेल्प करता है ऐसे ही केसेस के लिए। तो ऐसे केसेस में POAC हेल्प कैसे करेगा भाई, POAC हेल्प ऐसे करेगा, पहले हमें मीनिंग समझना है। मीनिंग क्या समझना है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, पहले ये समझ जाओ, ये जो इतना लिख रहे इतना हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, POAC लिखा करेंगे। तो ये जो POAC है इज अप्लाइड फॉर सिंगल एटम, इज अप्लाइड फॉर एन एटम ओनली, एक एटम के लिए अप्लाई किया जाता है इसको। अच्छा एक एटम के लिए क्यों, क्योंकि भैया नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, एटम का कंजर्वेशन लगाना है। अगर सपोज दैट मैं आपसे बोलता है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो आप बैलेंस कैसे करते हो दोस्तों, देखो ये रिएक्शन तो सबसे टुच्चू रिएक्शन में से, तो इसको बैलेंस कैसे करते हो, यहाँ 2 लगा देते हो। मैं पूछूंगा कि 2 लगाया क्यों, आप बोलोगे सर यहाँ पर एक हाइड्रोजन था और वहां 2, तो हमारी आंख है आलू नहीं, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन चाहिए। मैंने बोला वाह भाई क्या नजारे, मौज कर दी तुमने, तो बिल्कुल सही बोला, 2 हाइड्रोजन लगेगा, है ना, ये पहचाना कैसे उधर उस H2 को देख करके, बहुत सही। क्या मैं ये कहूं कि तुमने बैलेंसिंग की है, हाँ बिल्कुल बैलेंसिंग की है। क्या मैं ये कहूं कि तुमने जिंक एटम को कंजर्व कराया है, जितना इनिशियली था उतना ही फाइनली, आंसर यस। क्या तुमने हाइड्रोजन एटम को कंजर्व कराया, बिल्कुल सही, जितने हाइड्रोजन एटम पहले थे उतने ही लास्ट में है, दैट मींस कि सारे एटम्स का कंजर्वेशन होता है अगर आप पूरे रिएक्शन को बैलेंस लिखोगे, तो उसका मतलब है कि हर एटम का कंजर्वेशन अपने आप लगता रहता है। तो हर एटम कंजर्व होता है, हर एक 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 एटम कंजर्व होता है। तो आप किसी भी एटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन में गड़बड़ी होती है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया गया है तो श्योरली हम हर एटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो एटम्स का कंजर्वेशन लगाइए, बट जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर ही सकते हैं, तो बैलेंसिंग करके जब काम हो ही सकता है, तो POAC की कोई जरूरत नहीं होती है। POAC की जरूरत वही होती है, आप बताओ कहाँ होती है, एक बार चैट बॉक्स में लिखो, तो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और अभी बहुत मजा आएगा इसको, तो ऐसे चुटकी में आप उड़ा दोगे अगर आपने लिमिटिंग रीजन पढ़ दिया, तो POAC तो बहुत इजी चीज है। तो इसलिए फटाफट इसको अगले 5-7 मिनट 10 मिनट में इसको फिनिश करते हैं। आप बताओ पहले कि आखिर जरूरत कब पड़ती POAC की, जब बैलेंसिंग इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं कर सकते, कुछ भी कह लो नहीं कर पाओगे तब, ठीक है बहुत अच्छी बात है, बैलेंसिंग कर लो। बैलेंसिंग जब नहीं कर पाते हैं तब POAC लगाते हैं, हर उस केस में लगाएंगे जहां पर बैलेंसिंग हो ही सकती है, वहां पर कोई फायदा नहीं होता POAC लगाने का, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो POAC लगाना कैसे है ये सीखना है। अब मान लो सपोज दैट मैंने तुमको बोला कि किसी रिएक्शन में आयरन कन्वर्ट हो रहा है FeCl3 में, और मुझे नहीं पता वो कैसे हो रहा है, बस इतना पता है कि आयरन की जानकारी है, आयरन के बारे में इंफॉर्मेशन है और आयरन क्लोराइड के बारे में इंफॉर्मेशन है, पूरा रिएक्शन नहीं पता है,
पता ही नहीं कि ये कैसे हो रहा है, किस तरह से हुआ नहीं पता है। मतलब रिएक्शन को मैं बैलेंस ही नहीं कर सकता क्योंकि रिएक्टेंट नहीं पता, प्रोडक्ट नहीं पता, बस एक रिएक्टेंट पता है, एक प्रोडक्ट पता है। पता है क्योंकि ऐसे केसेस में पीओएससी लगता है, तो कई बार ना लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि पीओएससी को लगाने का, पीओएससी तब लगाना जब ना एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, बाकी रिएक्टेंट और बाकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो पीओएससी लगाते, लोग ऐसे भी याद रखते हैं। कोई जरूरी नहीं है ऐसे याद रखना, आप बस ऐसे याद रखो कि भाई रिएक्शन को बैलेंस करना इम्पॉसिबल है तब हम पीओएससी लगाएंगे, या तो इम्पॉसिबल या बहुत टाइम लेने वाला है तो पीओएससी लगाएंगे, ठीक है। अब सपोज दैट ये रिएक्शन दिया हुआ और आगे आपको रिएक्टेंट के बारे में नहीं पता कि यहाँ पे और कौन से रिएक्टेंट और वहां पे प्रोडक्ट क्या, नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जितने आयरन एटम रिएक्टेंट के साइड थे वो सारे के सारे यहां है इस मॉलिक्यूल में, प्रोडक्ट के साइड में यहां पर है, इसका मतलब सारे आयरन एटम यहां वाले यहां पर हैं, आयरन एटम का कंजर्वेशन दिख रहा है। सो हम लिखते हैं ऐसे कि पीओएसी फॉर आयरन, अगर ये इंफॉर्मेशन पहले से पता है ऐसा लिख दिया जाए तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। क्या लिखेंगे, इफ आयरन आइटम्स आर कंजर्व्ड, कंजर्व्ड है अच्छा इसका पीओएसी लग सकता है, ठीक है, एंड 55.6 ग्राम एफई रिएक्ट्स, देन फाइंड मोल्स ऑफ FeCl3 फॉर्म। तो अगर आयरन एटम कंजर्व्ड है, रिएक्शन का पता नहीं है लेकिन आयरन एटम अगर कंजर्व्ड है, क्लोरीन नहीं है, आयरन एटम कंजर्व्ड है, तो ये बताओ कि 5.6 ग्राम अगर मैं इस रिएक्टेंट का लूंगा तो इसके कितने मोल्स बनेंगे। ये कैसे पता लगाएं, पहले हम लिखेंगे पीओएसी, अप्लाइंग पीओएसी फॉर आयरन, और आयरन के लिए पीओएसी लगाने का मतलब क्या हुआ, देखो ये लैंग्वेज लिखनी होगी, ये लैंग्वेज लिखनी होगी, देखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन रिएक्टेंट साइड बराबर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इन प्रोडक्ट साइड, ये लिखना पड़ता है। अब ये जो आपने लिखा ना, इसे बहुत स्मार्टली, ये कंजर्वेशन का स्टेटमेंट है, देखना ध्यान से, लिखा ना नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन ऑन द रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड है, मेरी खूबसूरत हैंडराइटिंग शायद पता नहीं चल रही होगी, बट ध्यान रखना नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, और यहां पर लिखा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इन प्रोडक्ट साइड, तो जितने भी रिएक्टेंट, जितने भी आयरन आइटम होंगे रिएक्टेंट साइड, वो सारे के सारे कहां होंगे, प्रोडक्ट साइड होंगे, परफेक्ट, सही बात, सही बात। इस बात को फिर से लिख लेते हैं और देखना ये कितना छोटू हो जाएगा, जैसे आपने उधर देखा था ना कि लिमिटिंग रिएक्टेंट, जब आप पढ़ रहे थे लिमिटिंग रिएक्टेंट तो शुरू शुरू में वो लगा टफ, वैसे टफ नहीं लगा होगा, बर्गर के एग्जांपल से हमने पढ़ा था, सॉल्विंग कर रहे थे तब लगा होगा कि थोड़ा लेंदी, लेकिन उसके बाद फटाफट बनने लगा था, वो होता है शुरू में, थोड़ा ध्यान से देखिए। और मैं सिर्फ आसान क्वेश्चन करा करके नहीं छोड़ रहा हूँ, आपने जो वहां पर किए ना इक्वल वेट्स वाले प्रॉब्लम, वो अपने आप में अल्टीमेट प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वो, तो ऐसा नहीं कि लिमिटिंग रिएजेंट सिर्फ पहचानना था, उसमें बहुत सारे काम थे और फाइनली आपको फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट निकालना था। खैर, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू ऑन प्रोडक्ट साइड, है ना, मैं इसको पूरा भी लिख सकता हूं ऐसे, नंबर ऑफ आयरन एटम्स फिर से पूरा लिखो, बट टाइम जाएगा उसमें, ऑन प्रोडक्ट साइड या इन प्रोडक्ट साइड जो भी है। अब रिएक्टेंट साइड कौन सा स्पीशीज दिया गया था, खुद आयरन, तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एफी इन रिएक्टेंट साइड कौन था, खुद एफी था, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एफी इन FeCl3। अब जो हम नंबर नंबर कर रहे हैं ना, इसको मोल के टर्म्स में लिख सकते हैं, मैं काम करता हूं मोल के टर्म्स में लिखता हूं, ऐसे लिखना तो बेकार ही था, एटम्स के टर्म्स में क्या काम करेंगे हम, तो मोल के टर्म्स में काम करते हैं, तो मोल्स ऑफ आयरन एटम्स, इसको मैं लिख दूंगा मोल्स ऑफ आयरन एटम्स, और अभी लिखना, अभी एकदम प्यार प्यार से लिखना सिखा रहे हैं और फिर अगले पेज पे ढेर सारे दे देंगे आपको करने के लिए। अगर आप क्लास में बस साथ में रहोगे ना, तो मैं शुरुआत में हर टॉपिक में एकदम प्यार से बताऊंगा और फिर फटाफट फटाफट उस पर क्वेश्चन करेंगे, सब आ जाएगा।
तो मोल्स ऑफ आयरन एटम रिएक्टेंट साइड, कौन था रिएक्टेंट साइड में? खुद आयरन ही था, तो मोल्स ऑफ आयरन एटम्स इन रिएक्टेंट साइड बराबर, इसे चेंज कर दें, क्या लिख दें इसे, इसे लिख देते हैं, इसे लिखेंगे हम मोल्स ऑफ आयरन एटम इन प्रोडक्ट साइड यानी FeCl3। ठीक है, रिएक्टेंट साइड आयरन था, प्रोडक्ट साइड FeCl3 था, बट दोनों साइड आयरन के एटम्स बराबर होंगे, मोल्स बराबर होंगे। अब जब कभी भी देखो यहां पर ट्विस्ट है, यही लास्ट स्टेप है, जो लास्ट अभी जो बात मैं लिखने वाला हूं, ये समझ गए POSC खत्म, कभी POSC में टेंशन नहीं होगी, इसलिए फोकस करो। अब ये जो बात हमने लिखी है ना, मोल्स ऑफ आयरन एटम्स इन आयरन, अगर मैंने आयरन से FeCl3 बनाया था और आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं इस स्पीशीज का आपको ना 2 मोल देता हूं, तो आपको आयरन एटम कितने मिलेंगे, कितने आयरन एटम मिलेंगे, वही 2 मोल, जो आयरन एटम का मोल है वो इसके मोल के बराबर है, और अगर मैंने इसके 5 मोल दिए तो आपको कितना आयरन एटम मिलेगा? आप बोलोगे अच्छा एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आयरन एटम है, एक, तो 5 मोल मॉलिक्यूल के अंदर कितने आयरन एटम होंगे, 5 मोल, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं किसी फैक्टर से, बिल्कुल सही। लेकिन अगर सपोज दैट ऐसा ही कुछ होता, सपोज दैट मैं आपसे बोलता Fe2O3 को देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके 10 मोल्स मैंने लिए हैं Fe2O3 के, और इन 10 मोल्स में कितने हैं आयरन एटम, आप क्या बोलोगे, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे फटाफट 10 को, बोलोगे 20 मोल्स हैं आयरन एटम के, सही है। लेकिन इसी 10 मोल में 30 मोल्स है ऑक्सीजन एटम के, क्या ये कहना सही नहीं है? अरे ये कहना है बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए जरा इसको देखिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं आपसे कहूं कि इसके दिए गए हैं 5 मोल्स, तो 5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट में, ध्यान से सुनना, 5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल्स है कैल्शियम एटम्स के, 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम, सही। और जरा ऑक्सीजन एटम बताना कितने हैं, 15 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सीजन एटम, सही है ऐसा लिखना? अरे बिल्कुल सही है, क्योंकि हर बार जब आप 1 मोल उठाओगे कैल्शियम कार्बोनेट तो आपको 3 मोल क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, तो 5 मोल में कितने मिलेंगे, 5 × 3, करेक्ट। इसी बात को, यही जो आप लिख रहे हो ना, इसको बहुत प्यार से लिखना होता है, और कहानी खत्म POSC की। POSC में एटम का कंजर्वेशन होता है, और सिर्फ आपको इक्वेशन ढंग से लिखने आनी चाहिए, जो ये बातें आप लिख रहे हो ना, इन्हीं बातों को ढंग से लिखने आना चाहिए। तो क्या करना क्या होता है, फाइनली कैसे लिखना होता है वो सुन लो। अगर Fe2O3 है और मैं बोलना चाह रहा हूं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन Fe2O3, तो ऑक्सीजन एटम के मोल्स जो Fe2O3 में होंगे वो 3 × मोल्स ऑफ Fe2O3 होंगे, ऐसे लिखने आ जाना चाहिए। जिस किसी एटम की बात तुम कर रहे हो, जिस किसी मॉलिक्यूल में तुम बात कर रहे हो, उस एटम की, किस एटम की, ऑक्सीजन एटम की, किस मॉलिक्यूल में बात कर रहे हो Fe2O3 में, उस मॉलिक्यूल में कोएफिशिएंट देखो उस एटम का, क्या कोएफिशिएंट था, 3, उसी कोएफिशिएंट से वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। मीनिंग क्या है इस पूरे का, मीनिंग ये कि अगर आपने Fe2O3 का 10 मोल लिया तो ऑक्सीजन एटम के कितने मोल्स मिलेंगे, 30। तो अगर मैं बोलता कि यही फॉर्मूला लगाओ और प्रूव करो कि ये और ये सही है, तो बिल्कुल सही है। मैंने यहां पर क्या लिखा है, ऑक्सीजन एटम के मोल्स बताओ, कहां पर, Fe2O3 के थ्रू, तो Fe2O3 के कितने मोल लिए थे तुमने, 10, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, आएगा 30, आ गया ना, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही। अगर मैं आपसे कहता ओके यहां पर इस मॉलिक्यूल के लिए ऐसा ही इक्वेशन लिख करके दिखाओ, तो आप कैसे इक्वेशन लिखते, वैसा इक्वेशन लिखना है जिससे कि ये चीज कंफर्म हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 3 × मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिखा। तो जब मैं मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लूंगा 5, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 × 3 ये कितना आ जाएगा, 15 आएगा ना, यही लिखने के लिए आना चाहिए बस। तो इसी में प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ, आपके सामने दे रहे हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, है ना, और मुझे लगाना है POSC, मैं क्या लिखूं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम
इन कैल्शियम ऑक्सीलेट. आप बताओ क्या लिखना चाहिए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कैल्शियम ऑक्सीलेट. क्या लिखूं मैं, लिखूं 1/4 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट. सही है ना लिखना, देखो तो जरा, सही है, सही है. नहीं मैंने जो लिखा वो बताओ सही नहीं है, मैंने जो लिखा वो सही नहीं है क्या? अरे मैंने जो लिखा सही नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि मैंने जो लिखा वो सही नहीं है सच में. चलो अगर सच में मैं गलत हूँ तो एक काम करते हैं, आपको और बड़ा काम देते हैं, ठीक है? एक काम कीजिए, देखिए तो यहाँ पर ना एक साइड में लिख रहा हूँ मॉलिक्यूल्स. सो पहला मॉलिक्यूल बन गया कैल्शियम ऑक्सीलेट, ठीक है? और हर बार क्या करना है, पीओएससी का इक्वेशन आपको लिखना है, पीओएससी इक्वेशन. और अभी एक कॉमन एटम में दे रहा हूं ऑक्सीजन, पीओएससी इक्वेशन फॉर ऑक्सीजन. तो पहला मॉलिक्यूल है CaC2O4, दूसरा मॉलिक्यूल है H2CO4, तीसरा मॉलिक्यूल CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है. और चौथा मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल को मैंने ऑर्गेनिक भी बना दिया. ऑर्गेनिक वाले तो आपने देखे नहीं है, बट आपका दिमाग चेक करना है कि आप सही चला रहे हो कि नहीं. तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, पीओएसी इक्वेशन बनाना है. आपने सीख गया कैसे पीओएसी इक्वेशन बनाना है, किस एटम के लिए बनाना है, ऑक्सीजन के लिए. हालांकि यहां पर तीन तरह के एटम है लेकिन बनाना है ऑक्सीजन के लिए. तो मैं क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CaC2O4, ऑक्सीजन एटम के मोल्स किसके टर्म्स में, इसी के टर्म्स में लिखने हैं. ऑक्सीजन एटम के मोल्स इसी के, इसी मॉलिक्यूल के टर्म्स में लिखने हैं. तो क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ जो मॉलिक्यूल है, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट. डन. कितने लोगों ने ये सही लिखा है, सही लिखा है, ये सही लिखा है तो ठीक है. नेक्स्ट, फिर से ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल के बीच में कितने से रिलेशन आएगा, 4 से. तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2CO4 इज इक्वल टू 4 × मोल्स ऑफ H2CO4. करेक्ट है, कितने लोगों ने सही लिखा है बताओ, यही लिखा है आपने. नेक्स्ट में आ जाओ, यहां पर कितने दिख रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CH3COOH इज इक्वल टू 2 ऑफ मोल्स ऑफ, ये होता क्या है, एसिटिक एसिड. ये एसिटिक एसिड होता है ना, विनेगर भी बोलते हैं इसको. अब लास्ट में ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बेंजीन वाला, कोई बात नहीं, चाहे कैसा भी मॉलिक्यूल हो, 2 ऑक्सीजन यहां पर है और 2 ऑक्सीजन यहां है और 1 ऑक्सीजन यहां है. सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन नाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल, इसको बोलते हैं पैरानाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल. अल्लाह भैया काहे बदमाशी कर ले हो, अरे काहे बदमाशी कर रहे हैं जी, बहुत बदमाशी हो रही है ना. ओके कोई नहीं, तो नाइट्रोफेनॉल है. अच्छा इसको डिलीट कर लेते हैं. आजा, अरे आजा, ए हेलो. व्हाट, चलो कोई नहीं. तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ यही जो स्पेशीज है, इसके ऊपर NO2 लगा है और नीचे में क्या लगा है, OH लगा है. आप होपफुली समझ गए. ओह आप भी गायब हो गए, अरे आप भी गायब हो गए जी, कोई बात नहीं. आइए फिर तो इसे देखिए. राइट, पीओएसी इक्वेशन फॉर आयरन इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया आयरन के लिए, पीओएसी इक्वेशन लिखना है. रिएक्शन क्या है, Fe गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe2O3, या ऐसा करते हैं चेंज करते हैं, ऐसा आपने पहले देख लिया था, इसे चेंज करते हैं. देखिए क्या लिखा है,
FeCl3 से Fe2O3 में कन्वर्जन है और कहा गया है कि PvAC इक्वेशन लिखिए, मतलब आयरन कंजर्व्ड है। अगर आयरन कंजर्व्ड तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, मोल्स ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट, इसको बराबर लिखेंगे किसके बताओ, मोल्स ऑफ आयरन इन प्रोडक्ट, ठीक है। और भैया प्रोडक्ट है कौन, Fe2O3, और भैया रिएक्टेंट कौन है, FeCl3, करेक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है दोनों के लिए अलग अलग लिख लो जो आपने इक्वेशंस यहां पर लिखे थे। देखो इस स्पेशीज के लिए लिखा था इक्वेशन, ये कंप्लीट इक्वेशन लिखाया, तो हर एक स्पेशीज के लिए कंप्लीट इक्वेशन लिखो, हर एक स्पेशीज के लिए कंप्लीट इक्वेशन लिखो। जैसे इस स्पेशीज के लिए मुझे इक्वेशन लिखना पड़ेगा और उस स्पेशीज के लिए आयरन के लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं कहता कि चलो FeCl3 के लिए, जैसे तुम इन स्पेशीज के लिए लिख रहे थे ऑक्सीजन के लिए PoS इक्वेशन, वैसे आयरन का लिखो इस स्पेशीज के लिए, तो मैं क्या लिखता बताओ, मोल्स ऑफ आयरन इन FeCl3, ये कितना लिखा था जल्दी बताओ, यहां पर क्या लिखते, मोल्स ऑफ आयरन इन FeCl3 कितना लिखोगे, ये लिखाएगा 1 × मोल्स ऑफ FeCl3, क्योंकि FeCl3 में कितना है कोएफिशिएंट यहां पर 1, तो 1 × मोल्स ऑफ FeCl3, फिर इधर आ गए, यहां पर स्पेसिस कौन है Fe2O3, और लिखना किसके लिए PoS है, आयरन के लिए, लिखो मोल्स ऑफ आयरन इन Fe2O3, यहां कोएफिशिएंट कितना 2, फटाफट लिख दिया 2 × मोल्स ऑफ Fe2O3, देखा फटाफट लिखा गया, ऐसे तो लिखना सीखा हमने, ओके। या चाहे तो इसके जैसा हमने यहां पर लिखा था पहले मोल्स ऑफ आयरन इन FeCl3, यहां पर भी लिख दो पहले मोल्स ऑफ आयरन इन Fe2O3, ठीक है। अब लास्ट इक्वेशन बन जाएगा हमारा, जरा देखो क्या बनाएंगे हम, यहां पर लिखेंगे ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3, देखा ये जो फाइनल इक्वेशन बना है यही इक्वेशन हमारा POS इक्वेशन है। अब इसका यूज क्या है भाई, तो सपोज दैट मैंने पूछा If 1 mole of FeCl3 converts into Fe2O3 by an unknown reaction, पता नहीं है वो reaction क्या है, उसको balance नहीं कर सकते, unknown reaction, find weight of Fe2O3 formed. Find weight of Fe2O3 formed if iron atoms are conserved. अगर iron atom conserved होगा तो बताओ, अगर iron atom conserved होगा तो बताओ कि Fe2O3 के कितने weight का formation होगा। तो मैं समझ गया कि भैया यहां तो पूरा POS ही चल रहा है, reaction balance कर नहीं सकते हैं, और रिएक्शन है क्या FeCl3 से क्या है Fe2O3, और लेकिन आयरन एटम कंजर्व्ड है, तो मैंने फटाफट POAC इक्वेशन लिख दिया, मैंने बोला अच्छा POAC फॉर आयरन लिखना है, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे मोल्स ऑफ आयरन एटम, देखते जाना मोल्स ऑफ आयरन एटम इन रिएक्टेंट साइड में कौन है FeCl3, बराबर मोल्स ऑफ आयरन एटम कहां पर Fe2O3 में, बिल्कुल सही। अब जो मोल्स ऑफ आयरन एटम इन FeCl3 है इसे कैसे लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ 1, तो मैं लिखूंगा इसको 1 × मोल्स ऑफ FeCl3 बराबर, यहां पर कोएफिशिएंट क्या 2 × मोल्स ऑफ Fe2O3, ठीक है। ये लिखा गया POAC इक्वेशन डन। अब जो चाहिए था वो मैं निकाल लूंगा, कैसे निकाल लूंगा, देखो मोल्स ऑफ FeCl3 क्वेश्चन ने कितना दिया 1, पुट कर देंगे, कर देते पुट, अब तो पुट एंड गेट है, 1 × ये भी 1 है, आंसर कितना आएगा 1 × 1 बराबर 2 × ये वेट पूछा गया था ना, वेट कब निकलेगा, हमें पता है कि वेट को ऐसा जो मास निकालना होता है उसे हम लिख सकते हैं मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मॉलिकुलर वेट, तो इसका
मतलब जो फॉर्मूला होता है ना, मोल्स इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है मोल्स का, बोलना एक बार, मोल्स का फॉर्मूला होता है भाई गिवेन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, सुन रहे हो, गिवेन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवेन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से अगर मुझे ढूंढना हो मास, तो मोल्स को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मोलर मास से। सो भाई अगर वेट निकालना है, दैट मीन्स मास निकालना है, ये वाला गिवन मास निकालना है, तो जो भी मोल्स है इस मोल को मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाता है, मास से। तो पहले मैं मोल निकाल लूं, मोल निकालने के बाद मैं मास निकाल लूंगा, ठीक है। तो मोल्स ये वाले निकालने, मोल्स निकलेगा तभी तो ये मास निकलेगा, तो मोल्स ऑफ Fe2O3। तो कितना Fe2O3 बन रहा है जरा देखो, तो इस साइड यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आएगी ना, तो पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। अब अगर मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए मास ऑफ Fe2O3 ये निकालने के लिए अभी तुरंत Fe2O3 के मोल्स निकले, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, उसके मोलर मास से, या मॉलिक्यूलर वेट जिसे बोलते हैं। तो मोल्स कितने Fe2O3 के, अभी निकाले थे हाफ आया था ना, और Fe2O3 का मोलर मास निकालो कितना आएगा, आयरन के लिए 2 × 56, हर आयरन आइटम के लिए 56 होता है, और ऑक्सीजन आइटम कितने, हर ऑक्सीजन आइटम के लिए 16 × 3, दैट मीन्स 160, तो 160 से मल्टीप्लाई करो 80 ग्राम, दिस इज योर आंसर। तो कैलकुलेशन तो कुछ खास नहीं थी, बस दिमाग लगा करके अच्छे से समझना था कि लिखना कैसे है। लिखने में ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 को कहीं और लगा देंगे, 1 को कहीं और लगा देंगे, तो जब तक इक्वेशन आप ढंग से लिखोगे नहीं, आप ढंग से वैल्यूज को निकाल नहीं पाओगे। जो वैल्यू यहां पर मोल्स ऑफ Fe2O3 1/2 आ रही है, कोई स्टूडेंट गलती से उसको 2 भी निकाल सकता है, क्योंकि उसको यही नहीं पता चलता ये 2 कहां लगेगा। जनरली लोग क्या करते हैं ना, 2 को डिवाइड कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं मोल्स ऑफ Fe2O3 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। हमेशा जो कोएफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा मोल्स। और अब आपको यूज समझ में आ रहा होगा कि जिस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते थे, उस रिएक्शन में हमने निकाल डाला उस स्पेसिस का मोल, जिसको जिसकी वैल्यू जनरली हम क्या करते हैं, बैलेंस रिएक्शन से निकालते हैं। बट चूंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो पीओएसी लगाया और काम कर दिया। अब कहीं आपकी हालत ऐसी तो नहीं हो गई है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों की हालत ऐसी हो गई होगी, तो हो जाए मुझे क्या है। देखिए जब तक लहरों को पार आप नहीं करेंगे, जब तक तूफानों को आप पार नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो मिसाल नहीं बनेंगे। जब तक आप तूफानों को पार करने वाले नहीं बनेंगे, तब तक आप मिसाल वाले नहीं बनेंगे, समझ रहे ना। तो इसीलिए इस हालत में आप नहीं होंगे, पूरी उम्मीद है मुझको, आपसे मैं चेक कर लूँ और क्वेश्चंस पूछ लूँ भाई, और क्वेश्चंस पूछ लूँ फटाफट यहाँ पर। चलो बताओ आप मुझको कि इफ CaCl2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू CaClO3, CaClO3 gets converted into if CaCl2 gets converted into Ca3PO4 hold, find moles of Ca3PO4 hold 2 formed from (111 gram) CaCl2 कैल्शियम एटम्स कंजर्व्ड है, मतलब आप कैल्शियम का पीओएसी लगा सकते हो, लगाओ, बनाओ आंसर। CaCl2 और यहां पर अननोन रिएक्शन, अननोन रिएक्शन बोलेंगे मतलब क्या, अगर नहीं भी बोलेंगे हो सकता है, बस ये बोलते हैं कि रिएक्टेंट ये, प्रोडक्ट ये, बीच में क्या हुआ है पता नहीं है। अच्छा कई बार ये भी लिख देते हैं, ये देखो ये ज्यादा कॉमन है ऐसा लिखना, जैसा मैं यहां पर लिख रहा हूं अभी, सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ढेर सारे रिएक्शंस हुए होंगे,
ये ज्यादा कॉमन है, ऐसा ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा आपको सीरीज ऑफ रिएक्शंस। बट कोई बात नहीं, हम तो पीओसी लगाएंगे, फटाफट बना देंगे। आपने बना भी दिया 1/3। चलिए आइए देखते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। पीओएससी किसका लगाना है? पीओएससी फॉर कैल्शियम लगाना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मोल्स ऑफ कैल्शियम, मोल्स ऑफ कैल्शियम इन CaCl2। ये बराबर होगा किसके? मोल्स ऑफ कैल्शियम इन Ca3PO4 2, मोल्स ऑफ कैल्शियम इन Ca3PO4 2, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, इक्वेशन ढंग से लिखेंगे, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 1, दैट मीन्स 1 × मोल्स ऑफ CaCl2। पहले हमने क्या किया, इस पूरे को, ये जो पूरी वैल्यू थी मोल्स ऑफ कैल्शियम इन CaCl2, उसको लिखा ढंग से, किसके टर्म्स में लिखा, CaCl2 के मोल के टर्म्स में लिख दिया, क्योंकि मोल्स, क्योंकि जो वैल्यू हमें पता है वो CaCl2 की वैल्यू पता है, और जो निकालना है वो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इन्हीं दोनों के बीच में बातचीत होना चाहिए, जो पता है और जो निकालना है, जो भी वैल्यू पता होती है और जो वैल्यू निकालनी होती है, उसी का इक्वेशन बनाएंगे, अननोन और नोन का इक्वेशन बनाएंगे। अननोन और अननोन का इक्वेशन बना के फायदा नहीं है, नोन और नोन का इक्वेशन बना के फायदा नहीं है, अननोन और नोन का इक्वेशन बनाएंगे तब जाकर के सॉल्विंग होगी। तो अननोन कौन है, वो साइड, और नोन कौन सा, ये साइड। तो आपको मोल्स निकालने थे कैल्शियम के टर्म्स में, अगर आप लिखोगे तो जरा मुझको बताओ, पीओएसी के टर्म्स में यहां पर क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट है 3 × मोल्स ऑफ Ca3PO4 2। तो ये जो मोल्स है ना, ये क्वेश्चन ने आपसे पूछे थे, ये आपका x है, इसको x मान लीजिए, और यहां देखिए तो इसके मोल्स क्वेश्चन ने बताए थे 111। जरा CaCl2 का मोलर मास निकालना, 40 होता है कैल्शियम का और 35.5 किसका होता है, क्लोरीन का होता है, दो क्लोरीन है ना यहाँ पर, 35.5 × 2 = 71 कितना होता है, 111, मतलब कि एक मोल का मास दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 1 पुट कर दूँ तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। अगले पेज पे चलते, ओह अगले पेज पे तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पेज हम ऐड करेंगे, पेज ऐड कीजिए, ऐड कर दिया, खुश, ऐड कर दिया, बट किस्मत खराब, अपन जो लास्ट पेज पे चले जाते हैं, हाँ तो लास्ट पेज पे नहीं लिखेंगे, समझदारी प्रोग्रेस हो रहा है, समझदारी भैया, समझदारी बाबू भैया, ओके। सो 1 × ओ ओ ओ ओ, चल भाई गुस्सा मत हो, 1 × मोल्स ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू 3 × मोल्स ऑफ Ca3PO4 2, ओके, Ca3PO4 2, ऐसा है ना, तो 1 × मोल्स ऑफ CaCl2, जरा इसे देखो, इसकी वैल्यू कितनी थी 1, वहां देखना 3 × मोल्स ऑफ Ca3PO4 2, वही निकालना है, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 मोल्स ऑफ Ca3PO4 2, आपने निकाल दिया था ना पहले, मैंने देख लिया था स्क्रीन पे, और एकदम परफेक्ट निकाला था, 1/3 ही आंसर है। अभी तो आप समझ गए होगे कि पीओसी कितनी आसानी से बनता है, कितनी आसानी से निकलता है। अब ये चॉकलेट क्वेश्चन आपके लिए ₹51 के लिए, देखिए कोई जीतता है कि नहीं जीतता है, चेक किया जाए, ठीक है। लिखा गया है 2.76 78 और 60 कितना होता है, 78 और 60 138, ठीक है। 2.76 ग्राम ऑफ K2CO3 इज कन्वर्टेड इंटू K2ZnFeCN6 2, K2Zn3FeCN6 2, 6 × 2 = 8 Fe6 4, K2Zn3 Fe6 2, बड़े से मॉलिक्यूल, ये पता, ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ऐसे कंपाउंड को जिनको ब्रैकेट में लिख करके, जिनका कुछ पार्ट ब्रैकेट के बाहर होता है, ब्रैकेट के अंदर होता है, ब्रैकेट जैसे ही आया, बड़ी ब्रैकेट, समझ जाना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। अभी हमें उससे मतलब नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं है, हमें तो कंजर्वेशन से मतलब है। तो 2.76 ग्राम ऑफ K2CO3 इज कन्वर्टेड इनटू दिस कंपाउंड,
by a series of reactions. मतलब balancing भूल जाओ. Series of reactions. Find weight of the product formed. Weight of the product formed. If all carbon atoms are conserved. सारे कार्बन एटम्स कंजर्व्ड है, मतलब इतना तो पता है कि शुरू से आखिर तक कार्बन एटम में कंजर्वेशन है. तो आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो बड़े प्यार से POAC लगा लीजिए. मैं सॉल्व भी करूंगा, सॉल्व आपको करना है, बस मैं बता दे रहा हूँ POAC किसके लगेगा, कार्बन एटम के लिए. सॉल्व कर देंगे आप, कीजिए सॉल्व. किसी को अगर एटमिक मास नहीं पता है तो मैं एटमिक मास लिख दूँ. पोटेशियम का एटमिक मास 39 होता है, जिंक का आपको लेना है 55, जिंक का 55 ले लीजिए 55, बाकी आयरन का पता है आपको 56 लेना है. ला 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 ला. तो गलत लिख रहे हैं ना जी. अरे क्यों लिख रहे हो जी गलत. जिंक का 65 लेंगे, 55 नहीं लेते हैं. जिंक का लेंगे 65, आयरन का 56, है ना. और कार्बन और नाइट्रोजन का पूछोगे तो पिटा जाओगे, बट चलो अभी मेरा पीटने का मूड नहीं है. ठीक है, यह एटमिक मास देखते हैं कि आप वैल्यू कितनी निकालते हैं. वैल्यू निकालिए और गलत मत निकालिए. 1/600 आ रहा है सच में. पक्का? जरा देखिएगा यहां पर ना, कार्बन के लिए कोएफिशिएंट बनेगा 6 × 2 = 12. K2CO3 ये कन्वर्ट हो रहा है K2ZN3 FeCN6O2 में. सो यहां पर कार्बन का कोएफिशिएंट ना 12 है और यहां पर कार्बन का कोएफिशिएंट 1 है. तो अगर आप POAC लगाएंगे, आप लिखेंगे POAC फॉर कार्बन एटम्स. ये कैसे लिखाएगा? POAC फॉर कार्बन एटम्स लिखाएगा मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स जो रिएक्टेंट साइड है. कौन है? K2CO3. तो K2CO3 में मोल्स को कैसे लिखेंगे? मैं लाइंस को बचाऊं, मैं डायरेक्ट लिख दूं. आपको पूरा लिखना होगा लिखना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं. यहां पर लिखाएगा 1 × मोल्स ऑफ K2CO3 और बराबर इस साइड आएंगे तो लिखाएगा 12 × मोल्स ऑफ K2 ZN3 FeCN6O2. देख रहे ऐसे. ओके, ऐसा लिखा है. तो अब मोल्स ऑफ K2CO3 ये तो हमें पता है कितना दिया गया था, 2.76, और इस पूरे का मास निकालेंगे आएगा 138. दैट मींस इसको काट छाट करोगे तो आ जाएगा 0.02. उस साइड की वैल्यू लिखते हैं 12 × इसके मोल्स तो पता नहीं है, अननोन है, तो इसको x लिख लिया. अब जरा देखो 12 × x, इससे x निकालते हैं, आएगा 0.02 / 12. दैट मीन्स 2/12 100. किसी ने 1/600 लिखा था, वो सही लिखा था, लेकिन वो वेट नहीं है, ये मोल्स है. अब आप वेट निकालेंगे तो वेट निकालना कैसे होता है? मोल्स को मल्टीप्लाई करना होता है किससे? मोलर मास से. तो मोलर मास निकालो ना एक बार, इसके एक मोल का मास निकालना पड़ेगा. तो 39 × 2 करो प्लस 65 × 3 करो प्लस इस पूरे के लिए. देखो आयरन है, आयरन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. और ये मेहनत मुझसे मत करवाओ, मैं बस बता दे रहा हूं ऐसे होगा, जोड़ करके खुद से निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना. साइनाइड के लिए वैल्यू कितनी होगी? 12 कार्बन के लिए, 14 नाइट्रोजन के लिए. साइनाइड का अपना मास होता है 12 + 14 = 26. अब 26 × कितना होगा? 6 और 12, तो 26 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये पूरी वैल्यू जो है वो मोलर मास है किसका? इस स्पीशीज का. वो जब आप यहां पर पुट करोगे तब आपका वेट निकलेगा, जो मोल्स हैं वो 1/600 है, मल्टीप्लाइड बाई ये जो पूरा मास आया, इसको मैं कैपिटल M बोल रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई करो तब आंसर आएगा. वो मोलर मास कितना आया ये बताओ? 638. सच में मैं जोड़ नहीं रहा, जोड़ दूँ क्या? चलो, अब ऐसे बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो है जोड़ नहीं पाओगे, ऐसा मत बोलो. 78 है और ये कितना आ जाएगा? 195 आ जाएगा, 112 आ जाएगा, कर लेना जो भी आएगा. बट अपने को तो चाहिए था कि चाहे कितना भी टफ दे दे, चाहे कितना भी ह्यूज मॉलिक्यूल दे दे, फर्क नहीं पड़ता है, अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपन तो बना देंगे. समझ गए?
ये पीओएसी था और यहां से इसके आगे फिर से सेम पहले वाले जैसे क्वेश्चन है, सारे आपके होमवर्क है। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 नेसेसरी टू प्रोड्यूस 1.23 ग्राम O2। KClO3 को हीट करने पे ये बनता है KCl प्लस 3/2 O2। तो पूछा जा रहा है कि इसका कितना वेट लिया जाएगा कि O2 का मास जो बने यहां पर वो 1.23 ग्राम बने। तो बड़े प्यार से आप यहां पे से मोल निकाल लेना, 1.23 डिवाइडेड बाय 32 मोल्स पता चल गए, और फिर यूनिटरी मेथड लगा देना कि अगर 3/2 मोल्स ऑफ O2 है तो ये 3/2 मोल्स ऑफ O2 के लिए KClO3 कितना चाहिए होता है, 1 मोल KClO3। ठीक है, तो इसका उल्टा अगर 1 मोल O2 लेते तो ये उधर चला जाता और ये कितना बन जाता, 2/3 मोल्स ऑफ KClO3, है ना। बट अभी कितने मोल्स हैं O2 के, ये तो अगर तुम यहां पर 1.23 रखते डिवाइडेड बाय ये देखो कितना है 32, अगर ये मोल्स रखते आप O2 के 1.23 डिवाइडेड बाय 32 मोल्स ऑफ O2, सो यहां पर कितना आ जाता, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1.23 डिवाइडेड बाय 32, ये मोल्स जो निकालते वो मोल्स किसके हो जाते, KClO3 के। तो कुछ भी नहीं, बस रिएक्शन जानते के साथ आपको बस मोल का हिसाब किताब लगाना है, यूनिटरी मेथड लगाना, फटाफट बन गया। मोल्स अगर आपने निकाल दिए KClO3 के तो पूछा क्या गया था, मास। तो मोल्स के बाद मास कैसे निकालते हैं, मास इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय जो इसका मोलर मास है ना, खत्म कहानी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आगे भी दिए हुए, आप ट्राई कर लोगे, बाकी सॉल्व करके भी बताया हुआ है, सो कोई टेंशन नहीं है। ये जरा देखिए, तो व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्टेन इज बर्न्ड कंप्लीटली, ऑक्टेन क्या है, C8H2 18, इसका कंबशन कराया गया। हमेशा याद रखना है कंबशन रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड बनता है। ये बना लिया, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पर 8 CO2 लगा दीजिए और हाइड्रोजन कितना है 18, तो यहाँ 9H2O लगा दीजिए। ऑक्सीजन कितना बन रहा है, 16 + 9 = 25, तो यहाँ पर 25/2 O2 कर दो। जब रिएक्शन बैलेंस हो गया, POAC लगाओगे क्या, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब जो भी पूछा जाएगा वो ऐसे ही बना देंगे हम। व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्टेन इज बर्न्ड कंप्लीटली, अच्छा CO2 का अमाउंट पता है 7.04 मोल्स, कितने आ जाएंगे 44 इसका मोलर मास होता है, उसे डिवाइड कर दो। व्हाट इज द मास ऑफ H2O फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, पूछा गया है इसका मास कितना बनेगा। तो देखो इसके 8 मोल्स के लिए कितने मोल्स बनेगा, 9 मोल्स। तो आप ऐसे लिख लेना, 8 मोल्स CO2 बराबर होता है 9 मोल्स H2O, है ना। तो अभी कितने मोल्स हैं CO2 के, 7.04 डिवाइडेड बाई 44, इतने से कितने मोल बन जाएंगे, ये 8 यहां आ जाएगा और इस 7, इसको 7 मान लो, 7/44 कर दो, मोल्स बन जाएंगे किसके, ऑफ H2O। जब मोल्स निकाल लिए तो फिर बाद में क्या निकाल दोगे, मास। सारे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लगे, बाकी कैलकुलेशन ओके थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट देखो कैलकुलेशन की एक सुपर ट्रिक बता दे आपको, आप अगर डरोगे तो कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन देखो अगर मैं 155 की उम्र में, अब तो 156 हो जाएगा, 155 की उम्र में अगर मैं कर सकता हूं तो आप तो बचपन की उम्र में बिल्कुल कर सकते हो। तो KFC क्या है, डरो मत, पहले तो डरो मत, अगर तुम डरते हो तो कैलकुलेशन नहीं होगा। फिर दूसरी ट्रिक क्या है भाई, अप्रोक्सीमेशन लो, अप्रोक्सीमेशन से फटाफट सॉल्विंग होती है ना। आप ये देखना, ये जो वैल्यू है ये कैसे आ सकती है, 9 और 8 को मैंने अप्रोक्स मान लिया, सुनना, 9 और 8 को मैंने अप्रोक्स मान लिया मैंने। अगर आपको नहीं मानना है का मानना है तो मत मानो, लेकिन देखो फिर मैं क्या करूंगा, ये 7 देखो, 7 और 44, अगर 42 होता तो 7 6 क्या हो जाता, 42, लेकिन 7 6 42 नहीं होगा, यहां पर 6 point something आएगा, 6 के बाद कितने यूनिट्स बच रहे हैं, 2 units, तो अप्रोक्सीमेटली 6 point कितना आ सकता है, समथिंग आ सकता है 3। दैट मीन्स कि जब मैं 18 को काटूंगा तो मुझे ये दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है कि ये यहां पर ना 3 के आसपास आंसर आएगा, 3 से थोड़ा कम आएगा। बट फिर मुझे ये भी पता है कि यहां मैंने 9 और 8 को अप्रोक्सीमेट मान लिया था, तो मैंने अप्रोक्सीमेट जो माना था वो सही नहीं था, यहां पर जो 9/8 है ये एक्चुअली ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। तो मेरा आंसर अभी 3 के आसपास आ रहा था, 3 से थोड़ा नीचे जा रहा था, बट इसको देखते के साथ मुझे याद आ गया कि मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया था,
ये वैल्यू तो वन से बड़ी है, यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो थ्री को क्रॉस कर रही होगी। तो जो ऑप्शन दिए रहेंगे ना उसमें पक्का ये समझ में आ जाता है अप्रोक्सीमेशन लेने से कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। और जेई के जितने क्वेश्चन होते हैं उसमें पहले ही आपको पता है कि 50-50 ओपी रूल लगता है, 50% ऑप्शन तो ऐसे निकल जाते हैं डेड। और अगर आपको ये अप्रोक्सीमेशन लेने की आदत हो गई तो आपका डर खत्म हो जाएगा, फिर अपना सावधानी से हो सकता है कि आप एक्यूरेट कैलकुलेशन भी कर दो। बट मैं नहीं बोलता कभी भी कि किसी भी स्टूडेंट को पूरी केमिस्ट्री में पूरी तरह से एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत पड़ती है। आपके 90% क्वेश्चन में ना अप्रोक्सीमेशन से काम हो जाता है, और स्टूडेंट देखते ही नहीं, स्टूडेंट डरते बहुत ज्यादा है, तो उनके अंदर एक मिथ आ जाता है कि कैलकुलेशन बहुत है। जबकि सच्चाई में आज के टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन आता है मोल से, मोल का वैसे तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा एप्लीकेशन आता है, तो जो कैलकुलेशन होती है वो बड़ी आसानी से होती है। डेटा ऐसे दिए जाते हैं, क्लास में हम इतने आसान क्वेश्चन, इतना आसान कैलकुलेशन नहीं करेंगे जितने जेई मेंस में आते हैं। क्लास में हम ज्यादा टफ कैलकुलेशन करेंगे, सो दैट कैलकुलेशन स्ट्रांग बनाए आपके माइंड सेट को। और ये कैलकुलेशन जिनकी अच्छी होती है, बताया है कि उनको क्लास में ही देख करके हम बता देते हैं कि भाई ये अच्छी रैंक लाने वाले स्टूडेंट है। कैलकुलेशन अच्छा होने का मतलब आपका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग है, पीस ऑफ माइंड है, आप अप्रोक्सीमेशन लेते हो और ऐसे सावधान पूर्वक ना अप्रोक्सीमेशन ले लिया करो। अब इस तरह का कोई आ रहा है 9/8 इंटू देखो 22.4 है ना, और देखो यहाँ पर 7 है, अप्रोक्सीमेट आंसर इसका बताओ। मैं समझ गया कि ये अप्रोक्स 1 के आसपास जाएगा, ये अप्रोक्स जो है वो 3 point something जाएगा, ये 1 से ऊपर है तो अप्रोक्स आंसर पता है यहाँ पर फिर से 3.3 के आसपास आ जाएगा। गेस कर सकते, एग्जैक्ट का नहीं पता बट इसी के आसपास कुछ होगा। और इतने से हमारा काम बनते रहता है, केमिस्ट्री के 90% काम ऐसे ही बनते हैं अप्रोक्सीमेशन लेने से। और अभी 11th में जो बड़े भयानक चैप्टर आएंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तो बेस्ड ही है सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन पे। आयनिक इक्विलिब्रियम तो पूरा अप्रोक्सीमेशन पर। तो केमिस्ट्री में डरो मत कैलकुलेशन से, बड़ी आसानी से होता है। वो फिजिक्स में होता है कि बंदर की पूंछ उखड़ेगी या नहीं उखड़ेगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर विनय सर जो है टमाटर की स्पीड से मतलब ऊपर जा रहे हैं, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ले लिया आंसर कुछ और आ गया, और अगर 9.8 की जगह पे 10 ले लिया तो आंसर कुछ और आ गया। वो फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में नहीं होता है। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने ब्लैंक स्लाइड पूरी छोड़ी हुई है सब के सब। ओके, और क्वेश्चन आपके लिए मैं देख लूँ, पीओएसी के क्वेश्चन है, पीओएसी के क्वेश्चन होमवर्क वाले दोस्तों सब बना देना। पीओएसी के क्वेश्चन मैंने होमवर्क में कितने डाले हुए हैं, क्लास आपकी खत्म है आपके होमवर्क के क्वेश्चन में बता दो, अरे ये तो बहुत टुच्चा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन में काउंट नहीं करूंगा, जो टुच्चे क्वेश्चन को काउंट नहीं करूंगा मैं। अच्छा, एक 101 नंबर स्लाइड पर है, ठीक है, एक 103 नंबर स्लाइड पर है, ठीक है, वो भी बन जाएगा, और 105 नंबर स्लाइड पर, 3 क्वेश्चन होमवर्क है बस। अब आप अपने ख्याल बताओ, कॉन्सेप्चुअली आपको कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है आपको बस एक ही टेंशन हो रही होगी कि सर सॉल्विंग, सर सॉल्विंग। मेरे दोस्त, आप खुद से नहीं करोगे अगर सॉल्व नहीं होने वाला। मैंने क्लास में जितना बताया है, आपका सबसे पहले रिवीजन का तरीका ये होना चाहिए, जो बातें क्लास में हो गई, जितने क्वेश्चन क्लास में बने हैं, पहले उनको अटेम्प्ट लेना है दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर हम कैमरे के पीछे है ना, यूट्यूब पर बैठे हुए, कुछ भी पता नहीं चल रहा कौन कितनी मेहनत कर रहा है। हो सकता है कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ जो देख रहे होंगे, अच्छा अच्छा विनय सर आ गए, अरे 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 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 हो गया। ऐसे नहीं चलेगा, पेन चलाना होगा, पेन नहीं चलाओगे टॉपिक्स अच्छे नहीं होंगे। तो पैरेलली ये बताओ, सच्चाई में कितने स्टूडेंट जो है वो पेन चलाते रहते हैं, चैट बॉक्स में बताना एक बार, सच में कितने लोग जो है नोट्स बनाते रहते हैं, या फिर नोट्स बनाते रहते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं। अयो कहाँ चला गया मेरा सब्सक्राइब। आपके 3 क्वेश्चन यहाँ के बाद छोड़े, बीच में ब्लैंक स्लाइड्स होंगी जो मैंने रफ करने के लिए रखा था, ये सारी ब्लैंक स्लाइड है, उसके बाद 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, तो वो बना लेना। अब बताओ क्या बातें आपको करनी, अरे अब बताओ, बट आप रुकते नहीं हो, जल्दी आगे बढ़ जाते हो। गेमर्स, ये पता है दोस्त, ये मजबूरी है, बट मैं आपको बताऊं एक बात के लिए ना आप हार्ड माइंडेड हो जाओ। क्या कि आप ना ये मत सोचो एग्जैक्टली कि मैं लाइव में हूँ तो मेरे साथ साथ ही चलना है, जब क्वेश्चंस की बारी आई तो पॉज कर लिया करो, वीडियो को सॉल्व करके ही आगे जाया करो कि मैंने क्या बताया।
तो जो लाइव चल रहा है ना, उस लाइव को ऐसा मत लो कि लाइव का एक एक मोमेंट मुझको लाइव में रहना है, ठीक है? अगर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग तुम कैलकुलेशन छोड़ के मेरे स्पीड में चल दो। वैसे यार उम्र 155 की है, तुम्हारी तो बचपन की है, तुम्हारा तो स्पीड ज्यादा होना चाहिए। ओके, जितने भी दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो और करवाओ भी, बिकॉज कि ये पुण्य का काम है, दूसरों को बताओ। और आप जो शेयर करते हो ना लोगों से चीज़ें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो शेयर ज़रूर करो, बताओ ज़रूर कि आज POAC पढ़ा था, सर का तरीका अलग है बताने का, सर का तरीका थोड़ा फन टू थोड़ा सा मज़ेदार है और थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है। और स्पेशली हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन POAC से पहले किए थे, लिमिटिंग रिएजेंट में भी, POAC में भी किए हैं, अगली क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म भी करेंगे। सो शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, आप जितना शेयर करते हो उतनी दुआएं हमारे हमसे आपको मिलती हैं और उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है ना। और थोड़ा दोस्तों के सामने शेयर करो, बताओ भी कि भाई आप वेदांत एलीट बैच का पार्ट हो और आप एक ऐसे बैच का पार्ट हो जहां पर मास्टर टीचर्स की हिस्ट्री रही है तगड़े रिजल्ट बनाने की, अंडर 100 सिंगल डिजिट रैंक्स बनाने की, बनाने का इतिहास रहा है हमारा। बातें शेयर करो, आप जब शेयर करोगे आपको खुद भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। बातें जरूर किया करो और इसी बहाने से जो नए लोग हमसे जुड़ेंगे ना हमारा मोटिवेशन होंगे, आपके थ्रू जो नए लोग जुड़ते हैं। दूसरा, कई सारे लोग हैं अभी भी जिनको नहीं पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, अभी भी लोगों को नहीं पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्लासेस लेते हैं, रेगुलर बैचेस चलते हैं। और अभी तो आपको बताया कि जेई मेन्स का टाइम आ गया ना, और अचानक से दोनों बैक टू बैक दो जेई मेन्स के पेपर्स होने वाले हैं। अभी तो स्टूडेंट्स की मेंटल सिचुएशन इतनी बुरी होगी ना, सभी टेंशन में होंगे कि यार अभी हम रिलैक्स थे, हम ये सोच रहे थे कि थर्ड वाला अटेम्प्ट अनाउंस होगा और उसके कुछ दिन बाद जो है फोर्थ वाला अटेम्प्ट होगा, लेकिन सारी दुनिया ही बदल दी एकदम से, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। क्यों यार, अब ये तो गवर्नमेंट जाना है, लेकिन अपने को ये साफ दिख रहा है कि स्टूडेंट्स बहुत प्रेशर में होंगे। तो पता है क्या, अब हमें तो नहीं पता ना कि 2023 में कोविड की सिचुएशन क्या होगी, 2020 में हम जब थे तो 2020 के कोविड को देख के हम क्या सोचते थे, 2021 में तो कम से कम हम कूल डाउन रहेंगे ना, लेकिन 2021 का जुलाई आ गया और कोविड से छुटकारा नहीं। अभी भले ही हम रिलैक्स्ड हैं लेकिन पता है कि थर्ड वेव वगैरह का चक्कर हो सकता है। तो ये रिसोर्सेज ना मेरे दोस्त, ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कोविड रहे ना रहे ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने भी बताया कि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है, रिसोर्सेज मिल रहे हो तो ले डालो, रिसोर्सेज छोड़ने नहीं। तो अभी की सिचुएशन जो स्टूडेंट्स की है, स्पेशली जेई मेंस जिनका होने वाला है, उनकी मेंटल सिचुएशंस बड़ी टफ है, उनको काफ़ी सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। तो अभी भी जैसे टेलीग्राम पे पिछले 3 दिनों में, और इनफैक्ट के कल के बाद तो कल रात और आज सुबह मैंने ऑलमोस्ट 150 मैसेजेस जो भिजवाए हैं, जिसमें से शायद मैंने 20 अपने हाथों से दिए हैं, बाकी 100 से ज़्यादा मैंने टीम से करवाए मैसेज, तो 90% 95% सिर्फ और सिर्फ जेई मेन्स के स्टूडेंट की काउंसलिंग करनी पड़ी है, उनको शांत कराना पड़ा है, उनको इतनी जो वो टेंशन में थे कि सर क्या होगा, हम तो रिलैक्स थे, अब अचानक से पेपर आ गया है। तो यकीन मानो कल रात और आज सुबह सुबह 11:15 तक, 11:15 से हमारी मीटिंग थी, उससे पहले तक मैंने बहुत कोशिश की कि कूल डाउन करें सबको, सभी बहुत परेशान थे कि हम इतने दिनों से रिलैक्स थे, सर अचानक से जेई मेन्स आ गया। तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट जो क्रैश कोर्स कर रहे थे, जो प्रॉपर थे, जो जिनके पास रिसोर्सेज थे, वो कूल डाउन है, वो कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, जो हमसे जुड़े हुए थे कुछ ना कुछ उनसे हम काम करवा रहे थे, हम तभी आपको थोड़ा पुश करते, बोलते हैं कि हमसे और ज़्यादा जुड़ो, भले ही आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे लेकिन आपके फीचर्स आपको बहुत मिलेंगे। और बार बार ये मल्टीपल कोर्सेज की तारीफ क्यों करता हूँ मैं, बार बार ये बताता हूँ कि मैं मल्टीपल कोर्सेज के फीचर है, आपको पता नहीं कि कौन सा कोर्स चल रहा है, जो भी कोर्स चल रहा है आपका, ये चैप्टर हुआ सपोज दैट आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हुए, आपकी कमजोरी रह गई, आप बीमार पड़ गए, आप चाचा मामा किसी के घर चले गए, कोई सिचुएशन बन गई, छूट गया टॉपिक, फिर एक बार टॉपिक छूटा दोबारा माइक्रो कोर्स हुआ, आपने ठीक करने की कोशिश की बट फिर गड़बड़ा गया, दोबारा कर लीजिए, फिर से कोई कोर्स आ रहा हो, फिर से माइक्रो कोर्स आ रहा होगा, फिर से कर लीजिएगा। माइक्रो कोर्सेज आपका हथियार है, मल्टीपल कोर्सेज आपका हथियार है, ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐसी है ना जो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। तो ये सब बिंदास जो है अपने लिए। और दूसरा, ये अभी ऑफर चल रहा है तो ये जब तक ये ऑफर है तब तक तो आपको और भी
मिस नहीं करना चाहिए। जितने लोग लेट से लेने वाले हैं उनको, उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि वो अभी ले ले, अभी ये ऑफर चल रहा है, बाद में ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप अफसोस करते रहोगे। दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ कि अभी ये प्रॉमिस चल रहा, अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है, इसके रहते हुए ले लिया जाए तो लाइफ जो है जिंगल आला, नहीं तो मतलब कितनी अच्छी बात है। आप अगर नहीं पढ़ोगे, आप अगर नहीं पढ़ोगे फिर भी आप पैसे वापस ले सकते हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली वीआईपी प्रोग्राम जो है वो आपकी अटेंडेंस मांगता है, अटेंडेंस देना पड़ेगा आपको। अगर आप अटेंडेंस दोगे तो पूरी आपके प्यार हमारे अपने मेहनत पर, हमें भरोसा है कि इम्प्रूवमेंट तो होना ही होना है ना। एक बार लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिखा दिया जाए, बिकॉज के काफ़ी दिनों से डिमांड चल रही थी कि नहीं सर लिंक चाहिए, लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिखा दो। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। है ना, यहाँ आप ये वीडियो चल रही है, चुप हो जाओ, ये वीडियो चल रही है ठीक है। इसी वीडियो में नीचे जाओगे, यहाँ पर डीपीपी है, गेट वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन है, यहाँ टैप करो, टैप करोगे ये ओपन हो जाएगा। अब जब ये ओपन हो जाएगा तो ये वॉच वीडियो से पहले आपका तो मन करता बस टैप कर दे हर जगह टप टुप टप, नहीं आराम से स्लाइड कीजिए नीचे जाइए। तीन तरह के कोर्सेज है सॉरी गॉड ब्लेस मी, तो लाइट है, क्लासिक है, प्लस है। वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप प्लस पे जाइए, बिकॉज कि आपको यहाँ पर मेंटरशिप मिलती है अलग से। आप लाइट पर भी जा सकते हैं और ईयरली प्राइसेज आपको दिख रहे हैं, बट आप मंथ के लिए ट्राई कर सकते हैं और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वेदांतु इनोवेशन इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस, मैं बोल रहा था वेदांतु इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम, उम्र 155 की होती तो यही सब होता है। तो वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस है तो टेंशन ही नहीं है तुम्हें, टप टप जाओ, टैप करो, उसके बाद लॉगिन कर दो अपने ईमेल आईडी से। मैं करूंगा नहीं, तो मेरा ईमेल आईडी देख लोगे, फिर मुझे कुछ भी मैसेज करते रहोगे तो मैं नहीं करूंगा ठीक है। बट पहले से लॉगिन करके रख सकता था मैं, लेकिन नहीं कर रहा मैं ओके तो आप चले जाओ और जैसे ही जाओगे ना एंटर करोगे, अच्छा कोड पहले से लगा हुआ ये देख रहे हो, हट जा भाई, अभी लॉग इन करूंगा ये लोग देख लेंगे मेरा पासवर्ड भी है ना। तो आप देखो मेरा कोड अपने आप आ गया, क्योंकि आप ना मेरे डिस्क्रिप्शन से गए थे, ये यहां जो आप पहुंचे थे ना वो यहां पर टैप करके आए थे, अयो हाँ यहां टैप करके आए थे, यहां टैप किए थे टप यहां पहुंच गए थे, यहां पहुंचे थे स्क्रॉल किया था, लाइट वाला लेना है। आपको लगता है कि भैया पहले लाइट पढ़ना है, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं प्रो मतलब क्लासिक लेवल भी नहीं, एकदम प्लस पढ़ो एकदम सीधे। बट अगर आपका मन करता नहीं यार लाइट देखते हैं उसके बाद प्लस लेंगे, पैसे थोड़े बचाते हैं बाद में पैसे लगाएंगे, ऐसा कुछ है तो कर लो कोई बात नहीं, कोड मेरा ऑटोमेटिकली लग जाएगा और फिर यहाँ टैप करोगे, आप लॉग इन किए रहोगे अपने अकाउंट से तो फटाफट आपका पेमेंट गेटवे आ जाएगा। आपको चूज करना होगा कि आप पैसे कहाँ से लगाना चाहते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से। मेरा फेवरेट है यूपीआई, क्योंकि गूगल पे करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, उसमें मुझको जो है वो कैशबैक भी मिलता है। तो कैशबैक आप लेते हो, उसमें प्राइजेस भी आते रहते हैं, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा गूगल पे का, लेकिन मुझे मज़ा आता है उसी से और भीम से भी करते हैं। तो कहीं से भी बट आप पेमेंट कर डालो और ये आपका परचेज जो है वो यहाँ पर लिखा रहा है ट्राई फॉर वन मंथ, बट आपको पता होना चाहिए कि आप एक बार लोगे उसके बाद तो आप कभी छोड़ोगे ही नहीं, आपको इतना मजा आएगा। हेलो पायलागु कैसन बा सब चकाचक, और यहाँ देखिए लोग जो है दांत निकाल रहे हैं, मुझे पता है गूगल पे देखो मैंने पैसे लुटाए हैं, लोग कितने खुश हैं जिनको जिनको इनाम मिला है। इंद्रजीत का मैसेज आया है, इंद्रजीत को इनाम नहीं मिला, इंद्रजीत को इनाम देना यार, लो पॉपअप कर लेते हैं। अरे यार इधर भी तो इतना सारा पॉपअप किया हुआ है, यहाँ पर भी तो तुम लोग दांत निकाल ही रहे हो, ये तो है ही है। अरे 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 ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या है, क्या है भाई, ये क्या कर रहे हो, सारे पुराने मैसेज आ रहे हैं, मैं नहीं देख रहा इसको, अयो पुराने मैसेज नहीं चाहिए जी, अरे ऐसे निकालो ना। हाँ माइक्रो कब आ रहा है, बस आ जाएगा इधर ही 5-6 दिनों में। सर 16 हो गए सर, हैं 16 हो गए सर, पूरा पढ़ना
सर कभी हम YouTube से पढ़े तो क्या फॉलो करें, कैसे इंस्टीट्यूट का मटेरियल या बुक्स, वरना हम थ्योरी यहाँ से उठाए और सॉल्विंग के लिए बुक्स खरीद लें। मेरे दोस्त एक क्वेश्चन है तनिष्क, क्या DPP के हर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? क्या जितने अभी तक चैप्टर्स हुए हैं उसकी बातें आपके माइंड में है? विजेता वही इंसान है, वही अच्छी रैंक बनाएगा जो ये बोल सकता है कि हाँ पिछले जो भी चैप्टर्स हुए हैं उसके 100% नहीं तो पक्का है कि मैं 75-80% चीज़ें मुझको आती हैं। अगर DPP के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं और अगर आपको क्लास में होने वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर जा रहे हैं, आप क्लास में जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व कर देते हैं, तभी ये सब कुछ कीजिए। इन सब से रैंक नहीं बनती है, ये सब चीज़ें जो आप लिख रहे हैं इससे कोई रैंक नहीं बनती है। रैंक बनती है कम पढ़ने ज़्यादा रिवाइज करने से, ये ब्रह्मास्त्र होता है। इन सब से कोई रैंक, ऐसा होता तब तो कोई भी रैंक बनाते रहता, इससे नहीं होता, सॉल्विंग खुद से करने से, है ना? सर आपका UPI ID, मैंने तो कितने पैसे तुम लोग को भेजे, UPI ID आई गई होगी। बैकलॉग सेशन तो चल नहीं रहे क्या? चल रहे ना सर, केमिकल बॉन्डिंग CBT में आएगा? नहीं, पड़ोस वाले शर्मा अंकल के बेटे के टेस्ट में आएगा, आएगा ना CBT में। मोल कॉन्सेप्ट के बाद कौन सा चैप? चैप का मतलब होता है लड़का। मोल कॉन्सेप्ट के बाद कौन सा लड़का? वाओ, मोल कॉन्सेप्ट के बाद एक ही लड़का तो आता है यहाँ पर। मैं पूरी शिद्दत से सॉल्व कर रहा हूँ पर लाइव नहीं देखता। बेस, बेस क्या है? मेंबर सर, वाओ मेंबर सर। नहीं चल रही है सर बैकलॉग सेशंस, किसने रोका है? नाम बताना किसने रोका है। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं हुआ है मेरे लिए, हमेशा गुड मॉर्निंग, मुझे हमेशा गुड मॉर्निंग करो। नहीं चल रही सर बैकलॉग, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वन शॉट। हा 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 हा। चैप्टर सर, आई वांट यू एज माय पर्सनल मेंटर XD। मैंने यहाँ तक पढ़ा तो मुझे अंदर से एकदम वो फीलिंग आने लगी यार, प्यार भरी फीलिंग है, मतलब बच्चा देखो कितने अच्छे से पूछ रहा। फिर मैंने XD देखा, फटाक से मैंने ये देखा, मैं समझ गया, ओ ये देखते के साथ मैं समझ गया था ये कौन है। गुड मॉर्निंग, रिवीजन के लिए स्ट्रेटजी वीडियो कब आएगी? ये तब आएगी जब जो है मैं जो है वो बनाऊंगा, तब आएगी। लोल कर दिया सर, आप कैसे हैं? बस वैसे ही हैं जैसे आप देख रहे हैं, वैसे ही हैं, कोई हमने मेकअप नहीं किया है, ऐसे ही खड़े हैं। बुल्ले परफेक्ट टाइमिंग। तो जय मोहित सर, माय फेवरेट सर, बेस्ट ऑर्गेनिक टीचर, मुआ मुआ मुआ। सर बैंगलोर आना है और मुझे बैंगलोर से एक दो दिन के लिए जाना है सर, बेस्ट मुआ ऑर्गेनिक टीचर। सपोला बोलिए और लैग हो गएगा, मिथ है कंफर्म। भैया चाइनीज मत लिखो, नहीं आता मेरे को, समझे? प्लीज टेक माय नेम मोहित रायन। सर पिछले चैप्टर में एम्प्टीनेस की फीलिंग है, एम्प्टीनेस की फीलिंग है, आपको चाहिए आइसक्रीम, तभी जाकर के आपकी फीलिंग अच्छी होगी। लव फ्रॉम एक्स लक्षण मुआ लवली। बकलोल कौन लिख रहा है? बकलोल्स, अच्छा बैकलॉग्स। सर कॉल AKR सर ना, गिटार की आवाज कहां से आ रही है? नॉट बोले इट्स बोलो। सर आई एम न्यू स्टूडेंट हियर, प्लीज वेलकम मी। लव यू मैडम, लव यू टू। सर कौन सा बुक सफिशिएंट है? कोई बुक सफिशिएंट नहीं है। बुक वाली बात पर, ये गिटार की आवाज कहां से आ रही है? कौन सा बुक सफिशिएंट है जेई मैथ्स के लिए? ये देखो ना, जेई मेंस होना चाहिए, जेई मैथ्स के लिए मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ उज्जवल सर को बुलाओ,
उज्जवल सर बिना बोले हुए आ जाते हैं, मुझे पता चला कि वो क्लास में जो है वो चक्कर मार करके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है मुझको। आज लेक्चर में मजा आया, आज लेक्चर में मजा आया, मजा आया का स्क्वायर हुआ, लिख दो ना सर। हम बच्चे अभी 10 से निकले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा ना, कैलकुलेशन फास्ट कर। भाई सब कहाँ तक लिख के चले गए हो, मैं वहाँ तक पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सर ब्रिज पे बॉन्डिंग, ये आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, ये इसीलिए जाएगा क्योंकि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन करोगे तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा सारी बातें आपको बताना, सारी बातें कन्वे करना, तो वो स्पेशल अट्रैक्शन है। लोम लोम लोमड़ू लोमड़ू दोस्त, लोमड़ू दोस्त क्या था? शादी कब कर रहे हैं? जब कोई शादी करने के लिए तैयार होगा तभी करेंगे ना। सर जी आग लगा दो, आग लगा दी। सर कौन सा बुक ले सर मैथ्स के लिए? वही बुक ले लो जो बुक के लिए जो है सर मना करते हैं, मैथ्स वाले सर जिस बुक के लिए मना करते हैं वही बुक लेना है तुम्हें। माइक माइक अरे ये भैया स्क्रीन के अंदर उज्जवल भैया कैसे दिख रहे हैं? स्क्रीन के अंदर उज्जवल भैया, उज्जवल भैया व्हाट्स अप एवरीवन, व्हाट्स अप एवरीवन, व्हाट्स अप। एक गाना तो सुना दीजिए प्लीज। ओके दिस सॉन्ग आई मेड इट स्पेशली फॉर ऑल द किड्स वाचिंग एंड लर्निंग स्टडीइंग इन दिस टफ टाइम्स, सो ग्रेट जॉब एवरीवन। वेयर इज द सॉन्ग? ओके नो सॉन्ग जस्ट अ इंस्ट्रूमेंटल। ओके वाह वाह वाह, आ चोट लग गई, नहीं कर रहा मैं ये सब नाच गाने का प्रोग्राम। बाय, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए। वाह 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 Are you all right? He just stepped on the iron. बच्चों एक बार तो love you उज्जवल बोल दो यार, उज्जवल सर OP. No, actually I was seeing the class. People were like, sir, change the color. Sir, take a break. Sir, do this, do that. So I thought, okay, I think they will need some, entertainment. So I just came. Okay, Ujjwal, love you. Bye. Take care. Thank you so much, guys. Bye. Bye, everyone. Take care.